जिससे ये बच्चा लगातार जो है सीखता सर रहा बना सीखता दिए। रहा सीखता रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक, म्यूट ओके सर। लेना। ओके थैंक यू। बहुत ही शानदार गुरुदेव हैं, और मैं सर के लिए मैं जरूर वो दो लाइन बोलता हूँ कि मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, जिस दिन मन स्थिति बदली परिस्थितियां उसी वक्त बदली। साथियों जानते हैं, बिजनेस में बहुत बड़ा करने के लिए आपको चाहे जितना दिन से सीखते रहें, लेकिन कोई एक, जब तक आपके साथ में एक ऐसा शानदार अपलाइन बिजनेस गुरु नहीं आप बनाएंगे, आप हमेशा भटकते रहेंगे। तो आज मैंने सर से रिक्वेस्ट की है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, हम चाहते हैं सर हम लोग को आप आशीर्वाद दें, आशीर्वाद में एक तरीका दें कि किस तरह से हम लोग भी आगे बढ़ें, लगातार आगे बढ़ें और सबको साथ लेकर चलें। क्योंकि बहुत ही शानदार दो लाइनें हैं कि जिनको जो लोग दिलों में शिकवे, बहुत सारे लोग दिलों में शिकवे रखते हैं, अरे मेरा तो अपलाइन खराब है, अरे हमको तो बड़ा नालायक लाइफ लाइन मिल गया, अब सुनते नहीं बात को। तो बहुत ही शानदार दो लाइन का मैसेज है कि जो लोग दिलों में शिकवे और जुबान पर शिकायतें कम रखते हैं, जो लोग दिलों में शिकवे और जुबान पर शिकायतें कम रखते हैं, वो लोग हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। साथियों वो फिर रिश्ता माँ का हो, पिता का हो, भाई का हो, बेटे का हो, पूरा रिश्ता गुरु का ही क्यों ना हो, गुरु शिष्य का ही क्यों ना हो। साथियों तो आज हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ एक ऐसे गुरुदेव को जो रियल में, मुझे तो सारा रिश्ता इनमें दिखता है, भाई का प्यार दिखता है, माँ की ममता दिखती है और पिता का डांट भी दिखता है। और जब ये डांटते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार इनकी डांट बहुत बड़ा कराती है। साथियों आप सभी लोग तैयार हैं, डायरी पेन के साथ तैयार हैं, तो हम भी देर ना करते हुए बुलाना चाहेंगे आप सभी की मौजूदगी में, सम्मानजनक तालियों के बीच में, ग्रेट गुरुदेव हमारे आदर्श आदरणीय अजय कुमार दुबे सर। माइक ओवर टू अजय सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू राम प्रकाश जी। आज आज की मीटिंग में जितने भी साथी आए हुए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। और जहां तक गुरु पूर्णिमा की बात है, तो गुरु कोई भी हो सकता है, जिससे भी आप कुछ सीखते हैं वो आपका गुरु है। क्योंकि सारा सारा कुछ आप एक जीवन में अकेले नहीं सीख सकते। तो मैं भी कहीं ना कहीं राम प्रकाश जी से सीखता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे गुरु हुए। क्योंकि देखिए, गुरु का तात्पर्य लोगों को नहीं मालूम है, गुरु का मतलब होता क्या है। मैं बार बार अपनी मीटिंगों में बोलता हूँ कि गुरु का मतलब ही है, गुरु का मतलब वो बाबा नहीं जो कान में क्या है ना कि वो फूंक के बताते हैं कि ये मंत्र ले लो और इसको जपते रहो, वो गुरु नहीं। गुरु का मतलब क्या है? गु से अंधकार और रू से प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ आपको लेके जाए वो आपका गुरु है। और जैसा कि कहा जाता है कि पहली गुरु आपके जीवन की वो माँ होती है, जैसा आपने अभिमन्यु के विषय में सुना होगा कि माँ के गर्भ में उसने 6 फाटक तोड़ने का सीखा था। तो जो माँ के संस्कार होते हैं, जो पिता के संस्कार होते हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है तो जो माँ किताबें पढ़ती हैं, और आज की माएं तो किताबें कहाँ, आज तो मोबाइल ही देखती हैं, तो बच्चा इसीलिए हाईटेक भी पैदा हो रहा है। कारण क्या है कि यस उसे मोबाइल मोबाइल सिखाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि माँ के हाथ में कंटिन्यू मोबाइल है। इसीलिए अभी कई लोग हमसे कहते हैं कि सर पता नहीं क्या मतलब हो गया है, इस सदी में कुछ ऐसा है क्या कि बच्चे पैदा होते ही वो फटाफट फटाफट बटन दबा के सब कर लेते हैं, हमको नहीं आता वो चला देता है। तो मैं कहीं कहीं बोलता नहीं हूँ कि बुरा लग जाएगा, मामला ये है कि उसकी माँ ने इतना ज्यादा मोबाइल चलाया है उसके गर्भ के टाइम में कि वो आधे से ज्यादा तो मोबाइल चलाना वो घर में ही सीख लिया है। तो खैर आप लोग जैसे ले मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं थोड़ा आध्यात्मिक हूँ तो अध्यात्म को लेके मैं थोड़ा बात करूंगा आपके बीच में। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, नाम अजय कुमार दुबे हुआ और आरसीएम बिजनेस को मैं लगातार सीख रहा हूँ।
तो मेरे भी गुरु हुए, और गुरु मैंने पहले ही बोला कि मैं हर किसी से सीखता हूँ। आरसीएम बिजनेस के शुरुआती दौर में मुझे सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति ने यदि संभाला तो आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी ने संभाला, जो मैं उनके लिए एक रिस्पेक्टेड ताली चाहूंगा आपसे। जैसा अभी आरपी सर बोल रहे थे कि मुझे आरसीएम में लाया किसी और ने लेकिन संभाला किसी और ने, तो मुझे भी लाया किसी और ने और संभाला किसी और ने। तो आरसीएम बिजनेस में अचानक मेरी एंट्री हुई थी मजाकिया अंदाज में। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे जबरदस्ती जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद आरसीएम मिला तो कुछ भी इसको लेके मेरे सपने नहीं थे, इसलिए कि सपना तो तब होता है जब ज्ञान आता है। तो ज्ञान तो था ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का, कुछ पढ़ाई लिखाई तो नॉर्मल एक जैसे नॉर्मल एक गांव के लड़के की होती है वैसी पढ़ाई थी, और मानसिकता में यही था कि नौकरी अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन अपने परिवार में मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि मैं कभी नौकरी के पीछे नहीं भागा, क्योंकि दिल में नौकरी इसलिए नहीं चलती थी कि फैमिली में बहुत से लोग नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी मेरे लिए अट्रैक्शन नहीं था। और बचपन में एक बार की घटना है, मैं कानपुर जा रहा था, कानपुर मेरे मौसा जी सर्विस किया करते थे, पुलिस विभाग में थे, उनके यहाँ मेरा जाना था। तो रास्ते में जब मैं पहुंचा वहां रेलवे स्टेशन पे, तो मैंने किताब पाई थी, और वो किताब लिखा था स्वेट मॉडर्न। स्वेट मॉडर्न एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, जिनकी सबसे अच्छी किताब आती है और बहुत ही सस्ती किताब आती है। मतलब इंडिया में यदि मैं बात करूं तो 50 रुपए की किताब अगर किसी राइटर ने दिया तो स्वेट मॉडर्न ने दिया। और पता नहीं क्या उनका मकसद रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, कहीं ना कहीं उनका मकसद पैसा कमाना नहीं रहा, तभी उन्होंने बहुत सस्ती किताब लॉन्च किया। और उस किताब को मैंने पढ़ा तो उसमें दिया हुआ था, जो ये किताब मुझे पढ़ने का मौका मिला 16 साल की उम्र में, और उस किताब का कोटेशन था कि अमीर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं बल्कि बिजनेस करने की जरूरत है। और मैंने जब उस किताब को पढ़ा तो उसमें बहुत से ऐसी टॉपिक थे कि यदि आपको मौका मिले तो आप बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस करने वाला सिर्फ अपनी जिंदगी को कामयाब नहीं बनाता बल्कि अपने कारोबार में जितने लोग उसके शामिल होते हैं उनकी भी जिंदगी में परिवर्तन लाता है, और वो समाज के लिए भी कुछ अलग करता है। क्योंकि व्यवसाय एक ऐसी चीज होती है जो रोजगार डेवलप करती है, और नौकरी एक ऐसी चीज होती है जो आप किसी के लिए करते हैं। तो नौकरी करके आप अपना जीवन चला पाते हैं, लेकिन यदि व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय आप अकेले नहीं करते हैं, आपको हजारों लोगों को व्यवसाय में लाना पड़ता है, तो आप हजारों लोगों को लाने का माध्यम बनते हैं, तो आप हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। ये बात मुझे बड़ा मोटिवेट की थी, और मैंने छोटी सी उम्र में दुकान खोला, फिर कारोबार को मैंने आगे बढ़ाया। 1999 से लेके 2008 तक मैंने कारोबार किया, पैसा खूब बनाया मैंने, जीवन की बहुत सारी जरूरतों को मैंने पूरा किया, परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियों को मैंने पूरा किया। छोटे भाई को मैंने पढ़ाया, छोटी बहन को पढ़ाया, बड़ी सिस्टर की शादी, छोटी बहन की शादी, छोटे भाई को मैंने मैनेज किया। उस जमाने में कानपुर भेज के मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, बहुत सारी जिम्मेदारियों को मैंने पूरा किया उस कारोबार से। फिर धीरे धीरे छोटी उम्र में जब पैसा ज्यादा आने लगा तो ईगो बढ़ने लगा मेरा, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैसे के साथ साथ कुछ बुराइयां भी आती हैं, यदि आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो मेरे पास भी वो बुराई आई, और मैंने समाज में सभी का सुनना उनना बंद कर दिया, किसी का सुनते नहीं थे, और बहुत जिद्दी होते जा रहे थे लगातार। और उसी दौरान मेरे इलाके में आरसीएम आया, और कुछ लोगों ने आरसीएम को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद कई लोगों को समझाने गए, लेकिन चूंकि उनके इरादे मजबूत नहीं थे, वो आरसीएम को समझ के आरसीएम नहीं करना शुरू किए थे, वो किसी जीजा के किसी मामा के कहने पर उन्होंने आरसीएम को स्टार्ट किया था, और मोटिवेशन में आके वो आरसीएम को स्टार्ट किए थे। लेकिन जैसे ही उनका निगेटिविटी से पाला हुआ वो सारे लोग मैदान छोड़ के भाग गए। उसी दौरान आरसीएम मेरे पास 150 बार आया, करीब 150 बार। कोई रास्ते में मुझे आरसीएम समझाया तो कोई दुकान पे आके मेरे को समझाया, तो किसी मित्र ने आरसीएम ज्वाइन करके मेरे घर आया, और मैं बढ़िया से समझाते थे हम कि आरसीएम खराब क्यों है। तो मैंने करीब 150 से 200 लोगों का आरसीएम छुड़वाया था,
इसके बाद अचानक मेरी मुलाकात आदरणीय सुशील सर से हुई और सुशील सर की एक बड़ी अच्छी बात मुझे प्रभावित की थी। जब उन्होंने बताया कि मैं हवाई जहाज की नौकरी को छोड़ के आश्रम करता हूँ, तो मेरे मन में दो बात चली थी कि या तो ये आदमी झूठ बोल रहे हैं या तो कुछ ना कुछ तो होगा, मुझे पता करना चाहिए। और मैंने पता करना शुरू किया, इनके मैं घर गया, इनकी मैंने वो सैलरी अकाउंट देखा, मैंने आरसीएम की इनकम चेक किया, 17,000 रुपये इनकम थी। तो मेरा विश्वास थोड़ा बढ़ा और मैंने इसको सीखने का प्रयास किया। पहली बार मुझे प्रमोद गुलाटी जी की मीटिंग थी वाराणसी में, नगर निगम प्रेक्षागृह में मुझे लाया गया और वहां मैं 8वीं लाइन में बैठा हुआ था और सुशील कुमार सिंह जी मेरा हाथ पकड़ के बैठाए हुए थे। इसलिए पकड़ के बैठाए थे कहीं ये भाग न जाए, क्योंकि जब नई डाउन लाइन लेके आदमी जाता है ना तो माइंड में लेके चलता है कि ये समझ जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो मुझे समझाने के लिए मेरा हाथ पकड़ के बैठे थे। तो मैं बोला, सर हाथ तो छोड़िए, टॉयलेट जाना है। बोले, नहीं नहीं सर, 1-2 घंटा मैनेज कर लीजिए, देख के जाइएगा। लेकिन जब स्टेज से प्रमोद गुलाटी जी बोलना शुरू किए, उनके शब्दों में इतना धार था, और जब उन्होंने एक शब्द यूज किया कि ये प्रमोद गुलाटी 1,200 रुपये कमाने वाला एक प्राइवेट टीचर हुआ करता था, लेकिन आज आरसीएम से 5 लाख की इनकम है और मेरी चमड़ी का जूता यदि बना के मेरे अपलाइन राकेश शर्मा जी के पाँव में डाल दिया जाए तो भी मैं उनका एहसान नहीं चुका सकता और मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां उनके एहसानों को नहीं चुका सकती। ये बात मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था। यार ये कैसा बिजनेस है, ये अपलाइन क्या होता है, अपलाइन का मतलब क्या है, अपलाइन के कारण ये कैसे सफल हुआ। और उसी मीटिंग में एक घटना हुई, मेरे रिलेशन में एक लड़की थी पूनम तिवारी, बनारस की रहने वाली थी, उसके पिता को कैंसर हुआ था और उसका पूरा घर मकान सारा कुछ बिक चुका था। 1200-1500 रुपए की नौकरी करती थी इसी बनारस में, शिवाला एक जगह है, शिवाला, शिवाला आप लोग जानते होंगे, शिवाला एक जगह है, वहां पे वो नौकरी करती थी। मैं उसके घर गया था, मैं जाना आना मेरा था। जब वो लड़की टेक्निकल के मुकाम पे आई, और बोली खड़ा होके कि मैं पूनम तिवारी, आरसीएम बिजनेस को मैंने आज के 5 साल पहले ज्वाइन किया और आज मैं कार लिया है मैंने, उस जमाने में उसने 6 लाख की कार लिया था। और जब इसे ही वो स्टेज से नीचे उतर के आई, मेरा कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी क्लियर हो गया, क्योंकि वो मेरे रिलेशन की लड़की थी। और मैं जाके उससे पूछा कि पूनम तू ये झूठ तो नहीं बोल रही है। बोली, अजय तू नहीं जानता इस बिजनेस में कितनी ताकत है, ये कार मैंने आरसीएम की कमाई से लिया है और तू तो मेरे घर की सारी हालात जानता है, तुझसे क्या छिपा है, तू आ मेरे घर देख ले। बाद में मैं उसको बहुत ज्यादा मैंने इंक्वायरी करने के बाद मैं समझ गया कि आरसीएम में ताकत है। मैंने आरसीएम को स्टार्ट कर दिया, पूरे दिल से मैंने आरसीएम किया, कभी मैंने दिमाग नहीं लगाया। अपलाइन जैसे जैसे करते गए मैं वैसे वैसे काम करता गया। मैंने अपनी सारी चालाकी खत्म कर दिया, बस एक ही माइंड में था कि अपलाइन जो कहेगा मैं वो करूंगा। मेरे परिवार के लोगों ने विरोध किया, यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि सुशील कुमार सिंह जी मेरे घर को बर्बाद कर रहे हैं, मेरे परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, उनका साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैंने एक ही बात बोला कि अब अजय कुमार दुबे आरसीएम को तभी छोड़ेगा जब इस जीवन को छोड़ेगा, क्योंकि मेरे को समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में बात आ जाती है तो मैं किसी की सुनता नहीं हूं। अरे वो मर्द क्या जो बार बार अपने निर्णय को बदल दे। जब मैंने निर्णय ले लिया है, भरे स्टेज से मैं खड़ा होकर बोला हूं कि आज के बाद इस शरीर पे कपड़ा होगा तो आरसीएम का होगा, वरना किसी दूसरी कंपनी को साइन नहीं करूंगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास बोलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पीछे टीम आती है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पीछे हुजूम आता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको भगवान माना जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको गुरु की संज्ञा दी जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हर वो दर्जा दिया जाता है जिसके हम लायक भी नहीं होते। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, इन हजारों लोगों का विश्वास हम होते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई साथी बार बार कंपनी बदलते हैं, ताका झांकी करते हैं। मुझे याद नहीं है कि मैंने जब आरसीएम को ज्वाइन किया तो मैंने किसी दूसरी कंपनी के प्लान के चक्कर में मैं पड़ा, कभी नहीं। बल्कि कई लोगों को मालूम चल गया था कि सबके यहां जाना, दूसरी कंपनी का प्लान लेके अजय दुबे के पास मत जाना, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को अपने बरामदे में से खाली मैंने हाथ नहीं उठाया था। हम बोले, यार तुम बोल रहे हो कि अरे यार क्या रखा है आरसीएम में, पैसा कमा लो, यहाँ यहाँ खूब पैसा है। हम कि यार सुनो,
तुम आरसीएम के लीडर से मिलने आए हो, दोगले आदमी से मिलने नहीं आए हो। अजय कुमार दुबे पैसे के लिए आरसीएम में नहीं आया है। पैसा मुझे नहीं चाहिए, पैसा मेरे पास पहले भी था। तुम 10-20 हजार का चेक दिखाते हो भाई, ये 10-20 हजार का चेक नहीं मेरे को चाहिए। जिस उद्देश्य को मैं लेके आया हूँ, ये उद्देश्य बहुत बड़ा है। मैं कंपनी के MD से प्रभावित होके आया हूँ, मैं कंपनी के विजन से प्रभावित होके आया हूँ, मैं कंपनी के आर्थिक आजादी के अभियान से प्रभावित होके आया हूँ। मैं पैसा देख के आरसीएम में नहीं आया हूँ। मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है और ये सोच लेके मैं चलना शुरू किया और मैंने बहुत तेज गति से काम किया। 12 महीने में मैंने रॉयल्टी को अचीव किया और 2 साल के अंदर मैं 8% रॉयल्टी चला गया। उस जमाने में जब प्रोडक्ट नहीं थे, उस जमाने में जब प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं थी, उस जमाने में जब दुकानें नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में जब लोग आरसीएम को जानते नहीं थे, सुनते नहीं थे, चारों तरफ निगेटिविटी थी, रॉयल्टी अचीवर दिखाई नहीं देते दूर दूर तक, तो आखिर मैंने ऐसा क्या किया? आखिर मैंने ऐसा क्या किया? आज मैं कुछ उन्हीं बातों को आपके बीच में रखूंगा, लेकिन उसके पहले हमारे बीच में कुछ रॉयल्टी अचीवर हैं, मैं उन्हें मौका देना चाहूंगा। हमारे बीच में कुछ रॉयल्टी साथी हैं। पहला तो नाम मैं, हमारे बीच में सुनील कुमार जी हैं, क्योंकि वो साथी हैं। रॉयल्टी का महत्व मुझे मालूम है कि ये पिन आती कैसे है, कितना संघर्ष लेना पड़ता है। तो मैं मौका दे रहा हूँ सुनील जी को, प्लीज अपनी अपने परिचय दें आप। सर जय आरसीएम, जमनिया से सुनील कुमार नाम है सर, और इस बिजनेस को मैं भी पार्ट टाइम सीखता हूँ। और मेरा तो एक ही मैसेज अब है सर, क्योंकि जिंदगी ये दोबारा मिली है वो है आपके वजह से। और मेरा एक ही मैसेज है सर कि अगर किसी भी हालात में कोई भी आदमी आरसीएम को कभी न छोड़े, क्योंकि मैंने ये चीज को जाना है कि अगर खास अगर मैं कभी आरसीएम को ट्विट कर दिया होता या छोड़ दिया होता तो आज मैं आप लोगों के सामने नहीं होता। ये आरसीएम पैसा क्या देता है वो तो मालूम नहीं, लेकिन व्यवहार इतना बढ़िया देता है कि आदमी अंत मरते समय भी अगर याद कर लिया जाए तो बच सकता है। क्योंकि जो जो सिचुएशन से मैं बच के आया हूँ, वैसे मैं सारे लोग जानते ही होंगे, मैं अब यही सोचता हूँ कि अगर काश मैं आरसीएम छोड़ दिया होता तो शायद इस दुनिया में मैं नहीं रहता। वो और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सर का सानिध्य मेरे ऊपर था और हमेशा रहता है। बिजनेस मेरा, मैं जब भी चाहे जैसे भी हो, सर का फॉलोइंग मैं बहुत ज्यादा हूँ। आज शुरू से सर जानते हैं मेरा बिजनेस बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मैं हमेशा सर का फॉलोअप रहा हूँ। और इस बिजनेस की ताकत है सर, दोस्तों कभी भी अपलाइन नाराज हो जाए, डाउनलाइन नाराज हो जाए, लेकिन कभी भी आरसीएम मत छोड़िएगा। जय आरसीएम सर। थैंक यू सुनील जी, बहुत शानदार मैसेज आपका। हमारे बीच में एक उभरते हुए लीडर और बहुत ही कम उम्र के, जिन्होंने डिसीजन लिया है कि जब तक आरसीएम में टेक्निकल नहीं बनूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा, और तेज आवाज लीडर हैं किशन सिंह जिद्दी जी, मैं इनवाइट करता हूं, न्यू रॉयल्टी अचीवर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। आवाज आ रही है सर? जय आरसीएम, मारी आवाज। जी जी सर। मेरा नाम किशन सिंह जिद्दी, रमना वाराणसी से हूं सर। और इस बिजनेस से पहले सर मैं स्टूडेंट रहा, और स्टूडेंट लाइफ में ही सर मुझे आरसीएम बिजनेस मिला था मेरे दोस्त के माध्यम से। जैसा कि अभी राम प्रकाश सर और गुरुदेव अजय सर ने बताया था कि ज्वाइनिंग तो मुझे करा दिया गया था किसी और के माध्यम से, लेकिन इस बिजनेस में जो मेरा अंगुली पकड़ के चलना सिखाए वो मेरे बिजनेस गुरु आज हैं आदरणीय हम सभी के आदर्श आदरणीय अजय कुमार दुबे सर। एक बार सर के सम्मान में आज दो दतानियाँ होनी चाहिए सर। थैंक यू सर। और मुझे सर ज्वाइन कराया गया था दोस्त के माध्यम से, लेकिन इस बिजनेस में मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने वाले आज हमारे बीच में हैं अजय सर हैं सर। सर अगर नहीं होते तो शायद मैं इस बिजनेस से कुछ कर गया होता, और सर का बहुत बड़ा सर देन है इस बिजनेस में। और मैं जो जैसा सर ने बताया कि इस बिजनेस को मैं
अभी सर ने बताया कि मैं शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक टेक्निकल ना बन जाऊं, और सर ये बहुत जल्द होगा। और आरसीएम बिजनेस में आने से पहले सर मेरा सपना था कि मैं पूरे हिंदुस्तान को घूमूं, मैं ये अपना सपना लेकर के आया था। और सर आरसीएम में जब आया सपना लेकर घूमने के लिए, तो आरसीएम में सिर्फ वही नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के हर एक चीज जो एक इंसान को चाहिए होता है, सारा कुछ मुझे इस बिजनेस के माध्यम से मिला। तो मैं बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सर इस बिजनेस को करने में, और मैं यहाँ पर आज कुछ भी बन पाया हूँ सर, तो इसमें अजय सर का बहुत बड़ा रोल है सर। थैंक यू सर, जय आरती सर। जी मेरी शुभकामनाएं, पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में एक सीनियर साथी हैं, मैं थोड़ा उनको आगे नहीं बुला पाया। आरिफ जमाल जी हैं जो स्टार पिन अचीवर रहे, और हम लोगों के बीच में एक सीनियर साथी भी हैं। तो आरिफ जी एक टीचर भी हैं और सरकारी स्कूल में एक अच्छी जॉब प्रिंसिपल भी हैं, और आरसीएम को तन मन धन के साथ करते हैं, बहुत ही समर्पण भावना है इनके अंदर। तो आरिफ जी यदि संभव हो तो अपनी आवाज हम लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सर, थैंक यू जी, आवाज आ रही। आज इस मीटिंग में आए हुए सभी लोगों का स्वागत है हमारी तरफ से। सर नाम मोहम्मद आरिफ जमाल है, रहने वाले कमालपुर के हैं, और बिजनेस को हम अपने अजय दुबे सर के सानिध्य में सीख रहे हैं, एक एक कदम चल रहे हैं उनके बताए हुए रास्ते पर। एक कदम भी मैं इधर उधर नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे सफल होना है। सफल होने के लिए दोस्तों एक ही बात है, बस जैसा कि आज का दिन गुरु पूर्णिमा का है, और माँ बाप तो पैदा कर देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो सही रास्ता बताते हैं, जो सही रास्ता दिखाते हैं, वो गुरु ही है। और मैं जितनी भी तारीफ करूं अजय सर की कम है, क्योंकि अजय सर ही की देन की वजह है कि मैं आज इस बिजनेस में अभी तक टिका हूँ। नहीं तो दोस्तों पैसा कोई माने नहीं रखता है, पैसा अपने पास ऑलरेडी है, लगभग आधे से ज्यादा साथी पुराने साथी हैं, अपने घर में भी इनकम सबकी जोड़ दी जाए तो 2 लाख से प्लस की ऊपर की इनकम है। बस दोस्त एक ही माने रखता है कि पैसा कोई माने नहीं रखता है, लेकिन मुझे जो विजन क्लियर कराए वह अजय सर की ही देन है, क्योंकि अजय सर मुझे पूरा बात बताते गए कि क्यों करना है। एक लगता है नेटवर्क वीक है, कमालपुर में चैलेंज रहता है। कोई बात नहीं, चलिए मास्टर साहब ने अच्छा एक जानकारी दिया। देखिए हम लोगों को सीखना क्या है कि आज एक टीचर प्रोफेशन से होते हुए आज सर आरसीएम को पूरी जिद के साथ कर रहे हैं, तो ये मतलब एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं, थोड़ा मैं मेन सीनियर साथियों से ही बात करा पा रहा हूँ, और बाकी साथियों से मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपया नाराज ना हो हमारे ऊपर। आपका भी मौका आएगा, आपको भी टाइम दिया जाएगा। तो आगे मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूँ, क्योंकि जिस मकसद के कारण आज ये मीटिंग रखा गया है, आज मैं उस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। तैयार हैं आप सभी साथी? यस ओके, थैंक यू थैंक यू। तो आप सभी साथियों को फिर से JRCM नमस्कार, और मैं अजय कुमार दुबे, नो मेंस, अच्छा ओके विद्यापति जी, थैंक यू सर, थैंक यू विद्यापति जी। तो हमारे बीच में जितने भी साथी आज आए हैं, मैं इनको जिनको भी नहीं बुला पा रहा हूँ, खेद है। और मैं अपनी बातों को स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, आरसीएम बिजनेस मुझे मिला, मैंने पूरे तन मन धन से इसको किया, पूरी समर्पण भावना से किया। कई बार तो ऐसा हुआ कि परिवार बिखर जाएगा, मैंने उस हालात तक आरसीएम किया, और कई बार तो ऐसा लगा कि आरसीएम शायद मैं न कर पाऊं, इसलिए कि परिवार बिखरने का जो डर होता है ना, वो सब कुछ रहता है, क्योंकि बीवी बच्चे और आप किसके लिए आरसीएम करें जब सभी छोड़ के जाने को तैयार हों। तो लेकिन मन में एक बात हमेशा चलती थी, क्योंकि बहुत सी किताबों से मैं जुड़ा हुआ था, तो उस किताबों में मैंने एक चीज पढ़ा कि जब भी कामयाबी का जो दौर आता है ना,
उसके पहले नाकामयाबियों का बहुत बुरा दौर आता है। यानी जब आपके जीवन में बड़ी कामयाबी आने वाली होती है तो उसके पहले नाकामयाबियों का बड़ा दौर आता है। तो कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि जब कोई बुरा चीज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए बहुत अच्छा दिन आने वाला है, क्योंकि कहा गया है कि दुख के बाद क्या आता है, सुख आता है, ये दोनों भाई हैं। तो यदि आप लोगों के जीवन में आज कठिनाई है, दुख है, तो ये मैं गारंटी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में अब बहुत बड़ा सुख आने वाला है, क्योंकि ये दोनों का रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ है। तो दोस्तों आज मैं कुछ उस टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहले तो देखिए, यदि आरसीएम में आपको भविष्य नहीं दिखता है तो आप इसमें बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता था। मेरे सीनियर अपलाइन सुशील कुमार सिंह जी, जब उन्होंने कहा कि मुझे बाइक चलाने नहीं आती, मुझे कार चलाने नहीं आती, मुझे साइकिल चलाने नहीं आती, तो मैं बड़ा डर गया कि यार मेरा अपलाइन, यदि इनको बाइक चलाने नहीं आती, कार चलाने नहीं आती, तो ये मुझे कितना स्पीड देंगे। लेकिन फिर अगेन तुरंत मेरे दिमाग में आया कि कोई बात नहीं, मुझे तो चलानी आती है, मैं तो 100 की स्पीड में बाइक चलाता हूं, तो मैं चलाऊंगा, इनको पीछे बैठा लूंगा। मैंने हर समस्या को गले लगाया, क्योंकि कामयाब तो मुझे होना था। कोई बात नहीं, मेरे अपलाइन अच्छी मीटिंग नहीं लेते हैं, मैं अच्छी मीटिंग लूंगा। कोई बात नहीं, मेरी टीम में अच्छे लीडर नहीं है मीटिंग लेने वाले, मैं मीटिंग लूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा। क्योंकि समाज में, यदि समाज को बदलना है तो किसी एक व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है उस समाज को बदलने के लिए। तो मैंने निर्णय लिया, और दोस्तों मैं आपसे क्या बताऊं, इस बिजनेस में जब मैंने काम स्टार्ट किया शुरुआती दौर में, तो शुरुआती दौर सबसे खतरनाक होता है इस बिजनेस का, सबसे खतरनाक होता है। कारण क्या है कि आपके पास नॉलेज कम होती है, आपके पास अचीवमेंट कम होती है, और इसी टाइम में लोग आपसे सवाल ज्यादा करते हैं। तो जब सवाल ज्यादा करते हैं, आपके पास नॉलेज कम होती है, तो आपके पास जो भी जवाब होते हैं आप उसी तरीके से जवाब दे देते हैं। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, डायरी में जवाब सवाल नोट नहीं करते। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपलाइन के साथ मीटिंग में जाते हैं तो डायरी उनके हाथ में नहीं होता। आज भी कई लोग मेरी मीटिंग में बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है कथा सुनने के लिए आए हैं, और उनको भ्रम है कि ये कथा सुन लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आज भी डायरी लेके बैठा हूं कि शायद सुनील जी कोई अच्छा मैसेज देंगे तो मैं नोट कर लूंगा। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि गुरु क्या है, गुरु दूसरी दुनिया से नहीं आते, आपके किए हुए काम ही आपके गुरु हैं, जो आपको पर डे अनुभव मिलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गुरु आपका आपका पर्सनल अनुभव है। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग डिग्री ले लेके डॉक्टरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पे बड़े बड़े ऑपरेशन कर देता है, उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है। आपके बीच में कोई डॉक्टर होगा, हाथ उठा सकते हैं आप लोग, कभी किसी ऐसे डॉक्टर को देखा है जो कभी कहीं पढ़ने गया ही नहीं? हाँ, सुनील जी हाथ उठा रहे हैं। सुनील जी बताइए सर। दानापुर में है सर डॉक्टर सुनील, वो पढ़े ऑपरेशन करते हैं लेकिन उनकी डॉक्टर की डिग्री नहीं है सर। बिल्कुल, और कमालपुर गुप्ता जी की भी डॉक्टर नहीं है। गुप्ता जी को मैं कमालपुर वाले सर आपके बिल्कुल डिग्री शायद सुनने में आता नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सबसे बढ़िया करते हैं सर। जी 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 जी, लेकिन मैं आपसे बताना क्या चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी कुछ लोग क्या है ना कि बहुत बड़ा कुछ काम नहीं कर पाते हैं। एक बार ही घटना में बता रहा हूँ आपको, हमें ये अनुभव मिलता कहाँ से है, हमें हर किसी से सीखना चाहिए, और गुरु कोई भी हो सकता है। तो आज चूंकि रामप्रकाश जी ने गुरु का लेसन मुझे दे दिया है, तो मैं थोड़ा उसी पर बात करूंगा आपसे। एक बार ही घटना है कि एक बारिश का समय था, और एक व्यक्ति क्या है कि गाड़ी लेके आ रहा था, अचानक उसकी गाड़ी में गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया, तो उसने स्टेपनी चेंज करने के लिए एक टायर का जो चारों नट खोला, और चारों नट खोलने के बाद अचानक जो है कि उस नट को जब किनारे रखा तो बगल में नदी थी और उसके चारों नट गिर गए। जब चारों नट गिर गए तो ये व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ रात का टाइम कि अब क्या होगा, अब तो बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो अचानक बगल में एक पागल व्यक्ति बैठा हुआ था, थोड़ा दिमाग से हल्का था,
और वो अपने बाल को खुजा रहा था उल्टा सीधा तरीके से। तो इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान हुआ? तो इस व्यक्ति ने इग्नोर करके बोला, अरे तुम क्या बताओ, तुम क्या बताओगे हैं, तुमसे मैं क्या पूछूं। बोला, अरे बताओ तो सही क्या हुआ भाई। और वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। तो लास्ट में इसको गुस्सा आया, बोला कि तू नट ला सकता है नदी में से? ठट्ठा मार के वो हंसने लगा पागल। बोला, नट लाने की क्या जरूरत है, तीन चक्के में से एक एक नट खोल लो और इसमें भी तीन लगा लो। यह बात देखिए, मैं कहना क्या चाहता हूं कि तीन चक्कों में तो चार चार नट पहले से लगे थे। तो उसने बोला कि इसमें नदी में जाने की क्या जरूरत है, तीनों चक्कों में से एक एक नट खोल लो और चौथे चक्कों में तीन नट लगा लो, सभी में तीन तीन हो जाएंगे, गाड़ी चली जाएगी। वो आदमी हतप्रभ रह गया, वो आदमी हतप्रभ रह गया और देखता रह गया कि अरे ऐसा, जिसे मैं पागल जान रहा था, ये तो बहुत बड़ा मैकेनिक निकला, जहां मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, इस व्यक्ति ने गजब का आइडिया दिया। तो मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं कि दुनिया में आपको सबसे ज्यादा फील्ड सिखाएगा, सबसे ज्यादा फील्ड सिखाएगा। अजय कुमार दुबे ने जब आरसीएम को स्टार्ट किया, मुझे प्लान भी दिखाना नहीं आता था, लेकिन मेरे पास हौसला बहुत बड़ा था, मैं प्लान दिखाऊंगा। जो भी टूटी फूटी भाषा में मुझे आता था, मैं लोगों से भिड़ना शुरू कर दिया, मैं लोगों से भिड़ के काम करना शुरू कर दिया। नए नए आइडियाज आए, नए नए विचार आए, नए नए सवाल जवाब आए, और कुछ ऐसे जवाब मैंने दिया जो मुझे आता भी नहीं था, लेकिन वो जवाब सॉलिड हो गया। तो देखिए, मैं कहना चाहता हूं, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से शिल्पे परत निशान। यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ कोई तुर्रम खा नहीं है, यहाँ कोई बहादुर नहीं है। कई लोग हमसे पूछते हैं, सर कि कोई रास्ता बता दीजिए सर। तो अजय दुबे के पास एक ही रास्ता था कि 3 साल में 2.5 लाख किलोमीटर मैंने स्प्लेंडर चलाई थी, हिम्मत है तो चला लीजिए, हिम्मत है तो चला लीजिए। अगर सीने पे एमराल्ड ना आए, अजय दुबे आरसीएम छोड़ सकता है, अपना नाम बदल सकता है। अजय दुबे को किसी किताब ने नहीं सिखाया, अजय दुबे को किसी लीडर ने ट्रेंड नहीं किया, अजय दुबे ने जो ट्रेवल किया, अजय दुबे ने जो काम किया, अरे मात्र प्लान दिखाने आता था और 500 रुपए की चेक आती थी और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके मैंने प्लान दिखाया। मैं डॉक्टर से ताल ठोक के भिड़ता था प्लान के बल पे, बाकी मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे एक बात मालूम थी, ये डॉक्टर हो सकता है, MBBS डॉक्टर हो सकता है, लेकिन ये अपनी डॉक्टरी का मास्टर है और अजय कुमार दुबे अपने प्लान का मास्टर है। मैं प्लान दिखाऊंगा, ये नेता हो सकता है लेकिन इसे प्लान नहीं आता नेटवर्किंग का, मैं प्लान दिखाऊंगा। ये इंजीनियर हो सकता है, इसे कार बनाने आती होगी लेकिन आरसीएम का प्लान तो मुझे आता है। मैं प्लान दिखा दिखा के इतना ट्रेंड हो गया कि अब कोई व्यक्ति जैसे ही जबान खोलता था तो जवाब मेरे ऊपर तुरंत आते थे। क्यों? क्योंकि मैंने ज्यादा लोगों से भिड़ा, मैंने ज्यादा लोगों से जाके डायरेक्टली भिड़ा, मैंने खूब तर्क वितर्क किया। हाँ, लेकिन एक आदत मेरी अच्छी थी कि मैं हर दिन के अनुभवों को डायरी पे लिखता रहा, कि मैं डॉक्टर साहब को कैसे कन्विंस किया, मैं इंजीनियर साहब को कैसे कन्विंस किया, मैं वकील साहब को कैसे कन्विंस किया। अपनी ही लड़ाई लड़के और अपनी ही ताकत को मैंने डायरी में नोट किया। तो दुनिया का सबसे बड़ा गुरु क्या है? कोई किताब आपको कामयाब नहीं बना सकती, कोई अपलाइन आपको कामयाब नहीं बना सकता, कोई मीटिंग आपको कामयाब नहीं बना सकती, क्योंकि राम प्रकाश जी ने आज गलत टॉपिक दे दिया है मुझे, गुरु गुरु का टॉपिक दे दिया आपने सर। और मैं, आप लोग बोलते हैं आपका प्यार है, लेकिन हमको गुरु मान लेंगे ना तो आप लोग गुरु घंटाल हो जाएंगे। मत मानिए मुझे गुरु, अपलाइन रहने दीजिए, क्योंकि बाबा लोगों की हालत बड़ी खराब है इंडिया में। बिजनेस गुरु है सर आप, बिजनेस गुरु है। बाबा लोगों की जो हालत है ना, वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा बाबा पैदा हो। बाबा बाबा भी लड़ रहे हैं, हर बाबा अपने नेटवर्क को बढ़ाने में लगा हुआ है, और हर शिष्य, हर गुरु का शिष्य खाली अपने बाबा की बड़ाई करता है, बाकी बाबाओं को छोड़ देता है जी।
मैं आप लोग समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, हर बाबा का शिष्य खाली अपने। मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था, मैं क्या बताऊं, मैं रांची से चला था और पूरा बनारस तक खाली मैंने झगड़ा देखा, क्योंकि चार मठाधीश के चेले बैठे थे और चारों लड़ रहे थे खाली ये कि हमारे गुरु और हमारी संस्था, खाली अच्छी बाकी सबकी खराब, बाकी सबकी खराब। उसमें बेचारे आसाराम बापू जी के भी एक शिष्य थे, उनकी तो ऐसी की तैसी कर रखे थे तीनों मिलके। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं या आप कोई भी बाबा नहीं है, कोई भी गुरु, गुरु का मैटर क्या है, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए वो गुरु है। और दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है समय, दुनिया का सबसे एक बड़ा गुरु है आपका खुद का किया हुआ काम, खुद का किया हुआ काम। आपको मैं, आज हमारे बीच में राम प्रकाश जी है, राम प्रकाश जी को मैं खूब अच्छा चीज सिखा दूं लेकिन उसका अभ्यास न करें तो क्या ये चीज उनको आएगी? आज हमारे बीच में विद्यापति जी, मैं विद्यापति जी को एक बार अनम्यूट करूंगा। विद्यापति जी चूंकि हमारे फोर्स से हैं, मैं उनको इनवाइट जरूर करूंगा एक बार। विद्यापति जी वेलकम है आपका। सबसे पहले सबको जय आरसीएम और लॉट ऑफ थैंक्स सर कि आपने मौका दिया नहीं तो हम तो सोच रहे थे कि आज आपको ही सुने सर। इसलिए मौका मैंने दिया है कि गुरु का टॉपिक है आज। तो मामला यह है ना कि जीवन में बहुत सारी चीजें क्या है कि जब हमें सीखने को मिलती है तो यदि हम उसका प्रैक्टिस न करें, उसका अभ्यास न करें, तो क्या वो चीजें हमारे पास आती हैं? क्योंकि आप फोर्स से नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हमें हमें जानकारी मिलती है, किताब बहुत मिलती है, लोग भी मिलते हैं, लेकिन पता चल जाता है कि ये थ्योरी ऐसे काम करती है, लेकिन जब तक हम उसको खुद से नहीं करेंगे तो कभी नहीं आना है। हमारे अपने आरसीएम बिजनेस में भी, मीटिंग में भी बहुत लोग आते हैं, सब कुछ सुन के जाते हैं, 1,000-1,500 रोज सुबह डी कुमार सर के मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन आने से कुछ नहीं होगा, उसको अमल में लाने से होगा। चाहे आप 5% लाए, 10% लाए, 50% लाए, मुख्य चीज यही है कि अमल में लाना। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। गुरु की रही बात, हाँ सर, गुरु की बात रही तो गुरु कोई भी हो सकता है, जहां से कि मतलब गुरु उसी को माना जाएगा कि जो हम अंधकार में हैं, हमें नहीं नॉलेज है, हमें नहीं दिख रहा है, और कोई दिखा दिया रास्ता और उस रास्ते पर हम चल लिए तो हमारा गुरु है। सिंपल सी चीज है। बिल्कुल सर। तो अभी हमने पागल वाली स्टोरी सुनाई अभी सर, बहुत बेहतरीन था, बिल्कुल बेहतरीन था सर, वो उसमें कोई डाउट नहीं है सर। तो इसलिए हमें वो लोग होता है ना कि लोग मानते हैं कि नहीं, बहुत बड़े बड़े बाबा हैं, उनके पेट बड़े हैं और बहुत सारे कंठी माला डाले हैं तो वही गुरु है। तो मैं नहीं, मैं इस चीज से बिल्कुल ही एग्री नहीं हूँ। और अभी सर एक छोटा सा ये बता दूं सर, मेरी शादी हुई, पापा बोले कि अरे गुरु जी आएंगे, गुरुमुख होना है। हम बोले कौन गुरु जी? तो बोले कि अरे यहाँ के हैं। हम बोले तो कभी हम देखे नहीं गुरु जी को। तो बोले कि नहीं नहीं गुरुमुख होना है। हम बोले कि पापा आज तक तो उनका चेहरा देखे नहीं है, गुरु का मतलब होता क्या है? क्योंकि सर मैं बहुत ही अलग हूँ, घर वाले भी कभी कभी मेरे ऊपर गुस्से हो जाते हैं, तो मैं बहुत ही कर्म में बहुत विश्वास रखता हूँ सर, न इंसान न कोई, मतलब बस कर्म में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सभी साथियों को। अरे सर आप चलिए, मैं सर ने समय दिया है बहुत ही, तो ठीक है, तो मैं छोटी सी टाइम लूंगा। मैं विद्यापति प्रसाद बक्सर से हूँ। बेसिकली एज ऑफ नाउ मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इन इंडियन एयरफोर्स, और भी मैं सर्विंग हूँ। मेरी पोस्टिंग कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु स्टेट में ये पड़ता है। और यहाँ से भी मैं प्रयास कर रहा हूँ रहते हुए कि बिजनेस को बढ़ाया जाए, और मुझे आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए बिजनेस में, बस 10-11 महीने हुए, करेक्ट 11 महीने में भी शायद कम है। और सबसे जो मतलब मैं क्या बताऊँ, इंस्पिरेशन के लिए लाइन से मैं 3 आदमी को रखता हूँ। एक डी कुमार सर हैं, जिनको बस इतना ही जानता हूँ मैं कि जब वो बैंक की नौकरी छोड़ के और वो सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ, बस इतना जानता हूँ। दुबे सर मिले, उनसे मैं जब मिला तो दुबे सर से मुझे मिलने के बाद मुझे बहुत विश्वास आई इस बिजनेस को लेकर, जब मैं बक्सर में मिला था। और हमें जो है बार बार जगाने का जो काम किए सुनील सर हैं, और मैं मुझे पूरा मतलब सुनील सर से वादा करता हूँ कब उनको जगाने की जरूरत नहीं है, बस मैं
अब रास्ता बस दिखाते रहे कि विद्यापति जी इधर चलिए, अब जगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर बिजनेस में बहुत लोग को जगाना भी पड़ता है और रास्ता भी दिखाना पड़ता है, तो अपलाइन को थोड़ा दिक्कत होती है। तो बस यही है सर, और मैं सीख रहा हूँ बराबर, और अभी भी प्रयास कर रहा हूँ सर, चूँकि हमारी बहुत ही टफ लाइफ होती है, शायद किसी को पता होगा या नहीं होगा, चूँकि हमें कभी 3 बजे सुबह उठ के जाना, कभी 5 बजे सुबह उठ के जाना। एक दिन सर, अभी 4 दिन पहले डीसिंग सर से बात हुई थी, 4 या 3 दिन पहले, तो उस दिन 6:15 बजे मुझे जाना था ड्यूटी, फिर मैं जल्दी जल्दी उठा, सब कुछ होके रेडी होके यूनिफॉर्म में ही फिर ज्वाइन किया, तो उस दिन हैंड रेज किए, उस दिन मुझे नंबर लग गई, तो सर से बात हुआ, बोले कि आज कुछ अलग ही आप ड्रेस में दिख रहे हैं, क्या है? मतलब सर हम रेडी हैं, हमें 6:15 बजे जाना है सर। तो फिर भी सर मेरा यही है कि सर देखिए, मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि आरसीएम जो बिजनेस है, नेटवर्किंग की बिजनेस है, लोगों को इससे विश्वास नहीं आ रहे, विश्वास बस रीजन ये है न आने की कि माहौल नहीं मिल रहा है हमें, मतलब बस सिर्फ माहौल किस चीज़ का मिला है, तो नौकरी का माहौल मिला है। और आज से पीछे देखा जाए तो मेरे दादाजी बताते थे कि नौकरी से भी लोग भागते थे, लोग पकड़ के ले जाते थे नौकरी में, फिर भी लोग डरते थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग नौकरी में आए, नौकरी को लगा कि भाई चलो नौकरी हो जाने से हमारी रोजी रोटी चलती रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो नौकरी से माहौल आ गया। अब आज के दिन में जो हमारी सरकार है, अभी गवर्नमेंट है, वो फुली एक विदेश नीतियों को कॉपी कर रही है। पहले लोग जो लोग सरकारी नौकरी में आते थे बिना काम करके, चाहते थे कमाना खाना, तो गवर्नमेंट अब ये चीज़ें हटाने की कोशिश कर रही है टोटली, आप काम कीजिए और खाइए, तो गवर्नमेंट का पूरा बिजनेस पर फोकस है। इसी के वजह से 2016 में नेटवर्किंग का गाइडलाइंस दिया गया है, तो हमें आँख बंद करके अब से भी समझ लेना चाहिए। सर मैं बस समझ रहा हूँ सर, और बहुत ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। एक चीज पूछना था, कभी विदेश जाने का मौका मिला? विदेश जाने का मौका मिला सर? अभी तक मैं गया नहीं हूँ, मौका तो एक दो बार आया था बट मैं गया नहीं हूँ सर, और बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर मौका मिलने के लिए बहुत ही दिक्कत रहती है सर, कई लोग रहते हैं हमें जाना है, लोगों से पैरवी ये वो, लेकिन मेरी एक ही आदत रही है, कभी पैरवी मैं नहीं किया हूँ किसी से, मेहनत करता हूँ जितना हो जाए। सर्विस सैलरी कितनी है? सैलरी सर बस ठीक ठाक है सर, सैलरी का देखा जाए तो वही सर 90+ है सर, और यदि हम खाना पीना और ये मेडिकल का जोड़ दे तो 1 से पार हो जाएगा, बहुत अच्छी खासी सैलरी है सर। लेकिन बस अभी भी सर लोगों को डाउट होता है कि आप इतना अच्छा सैलरी है, सब कुछ है, रहने का फ्री, खाना का फ्री, मेडिकल का फ्री, कपड़े तक का फ्री है, तो फिर आप ये आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? तो बस मैं एक ही चीज़ सर, मैं एक मिनट लूंगा बस, ज़्यादा नहीं, कि जो ये आरसीएम बिजनेस है, इस बिजनेस में हमें रॉयल्टी इनकम मिलती है। जिस किसी को रॉयल्टी नहीं पता होगा तो वो नेट पर डालेंगे, गूगल बाबा से पूछेंगे कि रॉयल्टी इनकम क्या होती है, क्योंकि उसको भी कवर करने में 10 मिनट लग जाएगा। तो आप कलेक्टर बन जाए, इसरो का साइंटिस्ट बन जाए, मतलब साइंटिस्ट को तो मिलता है रॉयल्टी, उनको नहीं बोलूंगा मैं, कलेक्टर बन जाइए या कोई भी नौकरी ले लीजिए ऐसा नॉर्मल, तो आपको रॉयल्टी इनकम नहीं मिलेगी, या किसी बिजनेस में जाइए रॉयल्टी इनकम नहीं मिलेगा। तो बस यही चाहूंगा कि मुझे रॉयल्टी इनकम की सर भूख है, बस इतना ही जानता हूँ, चूंकि और कुछ नहीं। मैं सबको कहूंगा कि सर आप इसमें आइए, कुछ किसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं, दुकान बदलिए और आप रॉयल्टी इनकम अचीव कीजिए। और मेहनत तो हर जगह लगता है, मेहनत कहाँ नहीं लगता है, किस चीज में नहीं लगता, मजदूरी करने में कितना लगता है, मैं देखा हूँ मजदूरों को क्या हालत हो जाती है, उससे तो कहीं बहुत ही कम है, माइनर है। तो सर बस मैं अपने बातों को विराम देता हूँ, बात करेंगे तो बहुत ही चलता रहेगा सर, आपको सुनना चाहिए सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, और मुझे इस बात का गुरूर है कि आप जैसे साथी हम लोगों के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आर्मी का कोई भी कोर अगर मेरे सामने होता है तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये देश थाम रखा है आप लोगों ने, थैंक्स। पूरी फैमिली का त्याग करके, परिवार का त्याग करके, गाँव समाज को छोड़ के आज आप लोग डटे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो आज यदि आरसीएम खड़ा है तो कहीं ना कहीं देश खड़ा है, और देश खड़ा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने थाम रखा है। तो मैं सैल्यूट करता हूं सभी साथियों की तरफ से, थैंक यू, धन्यवाद सर सबको जी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे जो बात, इसलिए मैंने मिलवाया इन सीनियर लोगों से, जो कुछ से, मैंने विद्यापति जी को खास इसलिए लिया कि आज हमारे लोग, बहुत सारे साथी जो है कि नौकरी के पीछे परेशान है कि उन्हें नौकरी मिले, और आज हमारे बीच में एक ऐसे साथी जिनको नौकरी मिल चुकी है,
उसके बाद ये परेशान है कि मैं आरसीएम कैसे करूं। अभी बीच में इन्होंने मुझे मुझसे डेट लिया अगस्त में कि सर एक डेट मेरे को बक्सर में चाहिए। मैं बोला ठीक है सर मैं आऊंगा 100% आऊंगा। तो देखिए आज मैं आपसे कुछ स्पेशल बात करने वाला हूं, जो भी 35-30 मिनट आप लोग तैयार हैं तो मैं अब उस टॉपिक को मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। क्योंकि पहला मेरा टॉपिक यही था कि गुरु गुरु आप अपने आप को बनाइए। आपका जो वर्तमान जो काम है ना आप उसके पारंगत कैसे हुए, क्योंकि आपने उसको टाइम दिया तो आप उसमें मास्टर हो गए। अब उस काम को किसी व्यक्ति को यदि सिखाना हो तो आप सिखा सकते हैं। अभी सुनील जी का कारोबार किसी को सिखना हो तो सुनील जी सिखा सकते हैं। अभी विद्यापति जी जो काम करते हैं वो काम यदि किसी को सीखना है तो वो सिखा सकते हैं। यानी जो भी हमारे बीच में ओपी यादव जी जिस काम को करते हैं अगर ये काम किसी को सीखना हो तो ये किसी को सिखा सकते हैं। यानी उस क्षेत्र के क्या हो गए ये जानकार हो गए, तो आरसीएम बिजनेस का भी जानकार आप बनेंगे। लेकिन एक ही बात कही जाती है कि जो हीरा जितना रगड़ा जाएगा वो हीरा उतना चमकेगा। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा संघर्ष करेगा, जो व्यक्ति जितना ज्यादा फील्ड में काम करेगा, वह व्यक्ति उतना ज्यादा कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आज मेरा टॉपिक है, चार बातें मैं आपको नोट कराऊंगा, नोट कर लीजिए आप लोग सारे लोग कॉपी पेन ले लीजिए। एक महान नेटवर्कर ने चार लाइनों में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को बता दिया है। यदि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो पहला आपको लाइन नोट करना पड़ेगा कि फील्ड इज माय मदर। इस बिजनेस में कामयाब होने का पहला जो मंत्र है वो क्या है, आपको फील्ड को आप अपने को मां मानना पड़ेगा। फील्ड क्योंकि हमारे परिवार में हमारे समाज में पहली गुरु कौन होती है, माँ होती है। माँ होती है जो सबसे ज्यादा सिखाती है हमें चलना, हमें बोलना, हमें खड़ा करने से लेके माँ शब्द मतलब एक एक लकार जबान से एक एक शब्द खोलवाती है। हम बोलना सीख जाते हैं, हम दौड़ना सीख जाते हैं, हम हंसना सीख जाते हैं। मतलब प्राथमिक शिक्षा कहाँ मिलती है, माँ से। तो आप लोगों को दो तीन चीजें खाली सीखना है। पहला कि मार्केटिंग प्लान सीख लीजिए और 10-20 प्रोडक्टों की जानकारी ले लीजिए। इसके बाद कंपनी कहाँ की है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, आपके सीनियर अपलाइन कितने हैं, और इसके बाद इसमें कौन कौन सा लेबल होता है, ये छोटी छोटी जानकारी आप इकट्ठा कर लीजिए। और इसके बाद फील्ड में उतर जाइए। व्यक्ति पहचानने की जो कला है वो आपको फील्ड सिखाएगा, कोई मीटिंग नहीं सिखा सकती। एक व्यक्ति क्या सवाल करेगा ये आपको फील्ड सिखा सकता है। तो जब आप फील्ड में जाएं तो कोई भी सवाल जब आपके पास आए तो हम लोग एक गलती क्या करते हैं, हर सवाल का जवाब अपने हिसाब से देते हैं। जबकि उस समय तो आप जीत जाइए लेकिन उस सवाल को जरूर नोट कर लीजिए ताकि उस सवाल का जवाब अपने अपलाइन से आके आप पूछ सकें ताकि और बेहतर हो सके। ऐसा ना हो कि आप अपने अनुभव के आधार पे किसी को खाली जवाब देते जा रहे हैं तो आपके अंदर एक बुरी आदतों का एक बड़ा सैलाब हो जाएगा, आपके अंदर मतलब गलत जवाब का एक पिटारा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों को सही जवाब दे रहे हैं कि गलत जवाब दे रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो लीडर अपने अपलाइन को डेली फोन नहीं करते हैं इसका मतलब वो फील्ड में अपने मन से काम करते हैं, तो उनके पास गलत जवाबों का पिटारा हो जाता है। वो सीख नहीं रहे, वो काम कर रहे हैं। और आपको बता दें नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोग कामयाब नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में डेली फील्ड में जाके जो व्यक्ति सवाल लेके आता है और रात को अपने अपलाइन से उस सवाल का सही जवाब लेता है और अपनी डायरी में नोट करता है, एक दिन वही बहुत बड़ा लीडर बनता है। लेकिन हम लोगों को आदत है बहुत बड़ा जानकार बन के फील्ड में काम करते हैं, इसीलिए कामयाब नहीं हो पाते। हमारी पॉकेट में हमेशा डायरी हुआ करती थी, हम जब भी फील्ड में जाते थे तो डेली फील्ड में से जो नए सवाल आते थे उन सवालों का मैं जवाब खोजता था अपने अपलाइन से सीनियर से, ताकि आगे चल के मुझे उस तरह के यदि व्यक्ति मिले तो मैं उनका सही जवाब दे पाऊं। तो पहली तो सीख मैं आपसे यही कहना चाहता हूं
कि अपनी पॉकेट में एक डायरी लेके चलें और फील्ड को अपनी माँ माने। यानी एक महान नेटवर्कर ने बोला है कि फील्ड इज माई मदर। यानी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में यदि कामयाब होना चाहते हैं तो आपको फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति यदि तैराक बनना चाहता है तो उसे पानी में उतरना पड़ेगा। एक व्यक्ति यदि सैनिक बनना चाहता है, एक अच्छा अगर परमवीर, बहुत सारे चक्र होते हैं, मुझे बहुत सारी जानकारी नहीं है उसकी, यानी उसे यदि उन सारे पुरस्कारों की तड़प है तो उसे युद्ध में उतरना पड़ता है। यानी आपको समझने की क्या जरूरत है कि यदि हम अपने जीवन में बहुत अपनी धार को तेज करना चाहते हैं तो हमें फील्ड में उतरना पड़ेगा। फील्ड सबसे बड़ा गुरु है आपका, और फील्ड में जो नए अनुभव आते हैं, जो नए सवाल आते हैं, उनका जवाब अपने सीनियर अपलायंस से लगातार लेते रहिए। एक दिन वही गुरु आप बन जाएंगे जिस गुरु से आप पूछ के सीखते हैं। तो आगे मैं दूसरी बात बताऊंगा आपको। तो पहली चीज है फील्ड माई मदर, दूसरी है स्पीच माई लाइफ, दूसरी लाइन स्पीच माई लाइफ, बोलना आपका जीवन है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप आ चुके हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, बड़ा बड़ा बोलना पड़ेगा। जो जीवन में आप इससे अचीव करने वाले हैं उसको पहले बोलना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप बोलते नहीं हैं तो आपको लोग समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा रामप्रकाश जी, एक बार आप तो शायद, हाँ म्यूट, ओके रामप्रकाश जी। जी सर। फील्ड में अच्छा लीडर किसको माना जाता है? जो बड़ा एक्साइटमेंट में मीटिंग लेता है, बड़ा जोशीले अंदाज में मीटिंग लेता है, उसी को लीडर बोलते हैं? नहीं सर, फील्ड में तो लीडर उसी को मानते हैं जो फील्ड में हर किसी से उसका घुलन मिल घुल मतलब आपसी जो व्यवहार है, उसके बात करने का जो तरीका है, मिलनसार हो, हर किसी को कम समय में अपने आभा में अपने अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसके बाद विचार ही। आभा कैसे आएगा? बातचीत से तो आएगा ना, स्पीच माई लाइफ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, हम वही समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को, आप सही जा रहे हैं। रिलेशन मतलब प्यार भरा आपका रिलेशन होगा, अच्छी बोलचाल होगी, तो आपका आपका स्पीच ही तो जीवन है ना यहाँ। जी यहाँ पे सर बड़ा शानदार एक लाइन यहाँ चरितार्थ होता है कि शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो जख्म बहुत गहरा होता है। कई बार जख्म इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन खत्म हो जाए फिर भी वो घाव नहीं समाप्त होता। तो बोली का ही इस बिजनेस में सबसे बड़ा रोल है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बोला। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये आपने रिलेशन बड़ा अच्छा टॉपिक रखा, लेकिन एक चीज बताइए मुझे कि यदि आपका लाइफ लाइन आपको फील्ड में लेके गया और सामने आपके नए प्रोस्पेक्ट बैठे हुए हैं, तो यदि आपका स्पीच प्रभावी है तो आपका डाउनलाइन भी प्रभावित होता है और आप जिससे मिलने गए वो भी प्रभावित होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर, वो आपका लाइफ लाइन भी सीखता है आपसे। ओके, और यदि कहीं मीटिंग कराया है आप, लाइफ लाइन ने आपकी कहीं मीटिंग रखा है और आप गए वहां बड़े जोशीले अंदाज में, आपने अपनी मीटिंग को प्रमोट किया, आपने जोशीले अंदाज में अपने सपनों को बताया, आपने जोशीले अंदाज में अपने सारी चीजों को जब प्रेजेंट किया, तो आपका डाउनलाइन तो वहीं आपको लीडर मान लेता है। क्या गजब के मेरे लीडर है, क्या गजब के बोलते हैं, क्या गजब की इनकी स्पीच है, क्या गजब। कई लोग तो क्या है ना कि बारूद, तूफान, आंधी, मतलब क्या क्या शब्द देते हैं, बम, मतलब हम बता नहीं सकते। मैं कई जगह फील्ड में जाता हूं तो वो डाउनलाइन जब बुलाता है कि गजब के खतरनाक व्यक्ति हैं, गजब के खतरनाक लीडर हैं, तो खतरनाक किस बात है, खतरनाक बताइए आप। मतलब स्पीच माई लाइफ, आपकी स्पीच पावरफुल है, आपकी स्पीच, आपकी बोल चाल में एक्साइटमेंट है, तो आप इस जंग को जीत सकते हैं। तो पहला मैंने बोला था आपको फील्ड माई मदर, यानी फील्ड को माँ मानिए, और स्पीच माई लाइफ, बोलते समय वो उत्साह दिखना चाहिए। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग उत्साह खरीदते हैं, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपके एक्साइटमेंट खरीदते हैं, लोग आरसीएम ज्वाइन नहीं करते, आपके शब्द को ज्वाइन करते हैं, लोग आरसीएम कभी भी ज्वाइन नहीं करते भाई साहब, हमारे उत्साह को ज्वाइन करते हैं।
बिल्कुल सही सर। अब समझना क्या है कि फील माई मदर, स्पीच माई लाइफ, टीम माई पावर, टीम माई पावर। आप पावरफुल नहीं है, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आ गए हैं तो आप पावरफुल नहीं है। आप कब तक पावरफुल रहेंगे? अब मैं अजय दुबे आपके सामने खड़ा हूं, मैं बनारस में हूं इस टाइम। यदि मैं ही खाली पावरफुल होता तो मेरे पंजाब में मीटिंग कौन करता, मेरे लुधियाना में मीटिंग कौन करता, मेरे जलंधर में मीटिंग कौन करता, हैदराबाद में मीटिंग कौन करता, मनाली में मीटिंग कौन करता, गोरखपुर में मीटिंग कौन करता, भाई बंगाल में मीटिंग कौन करता, कोलकाता में मीटिंग कौन करता। मैं पावरफुल यदि हूं तो मैं सफल नहीं रहूंगा, मुझे अपनी टीम को पावरफुल बनानी पड़ेगी। क्या बात है सर। इसीलिए उस महान नेटवर्कर ने बोला है कि यदि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्वाइन हो गए हैं तो तीसरा लेसन है कि टीम माई पावर, टीम को पावरफुल बनाओ। यदि आप अच्छे बोलते हैं तो काम नहीं चलेगा, आपकी टीम को अच्छा बोलने का मौका दो। यदि आप अच्छा प्लान दिखाते हैं तो काम नहीं चलेगा, अपनी टीम के लोगों को प्लान दिखाना सिखाओ। यदि आप बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं लेकिन आपकी टीम में मोटिवेटर नहीं है तो आप जहां रहेंगे वहां बिजनेस बढ़ेगा और जहां आप नहीं रहेंगे वहां बिजनेस नहीं बढ़ेगा। यदि आप बहुत बड़े जानकार हैं और आपकी टीम जानकार नहीं है तो आप जहां रहेंगे वहां आपकी जानकारी काम करेगी, लेकिन यदि टीम जानकार है तो आपकी टीम जहां जहां रहेगी, आप भले न रहें लेकिन काम चलेगा। यस यस, बहुत शानदार। तो टीम माई पावर, टीम को पावरफुल बनाने पे काम करिए। अरे 10 ही लोग आपकी टीम में जुड़ गए हैं भाई साहब ना, तो नए को मत खोजो लेकिन उन 10 लोगों के घर में जरूर जाओ, जाके बैठो, सवाल करो। वो सवाल ना करे तो आप सवाल करो, ताकि उस, देखिए सवाल जवाब से क्या होता है कि ये दिमाग हल्का होता है, मतलब हल्का का मतलब वो मत समझिएगा पागल नहीं, बोझ जो होता है ना, बोझ ना समझी का बोझ, वो हल्का होता है। जी जी जी, कंफ्यूजन और अज्ञानता का बोझ हल्का हो जाता है, हल्का होता है। हमारे घरों में जब छोटा बच्चा होता है ज्यादा सवाल करता है, खूब सवाल करता है, लेकिन अनाड़ी पिता क्या करते हैं, उसको चुप करा देते हैं, तो वही बच्चा आगे चल के मंदबुद्धि हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक बात जा चुकी है कि सवाल पूछना गलत बात है। और हम नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर होते हैं ना, हम भोले भाले लीडर चाहते हैं, वो हमको गुरु माने, भगवान माने, खूब सेवा करे, सत्कार करे, सवाल पूछे तो निगेटिव क्या बोल देते हम लोग, निगेटिव सवाल पूछे तो क्या है, निगेटिव आदमी है सर। अरे सर बहुत पकाता है सर, बहुत पूछता है सवाल, भगवान करे आपको ऐसे लाइफलाइन मिले। यस यस, बिल्कुल राइट सर। अरे वो पूछेगा तो उसकी क्यूरियोसिटी शांत होगी, वो पूछेगा तो नई नई जानकारी लेगा। भगवान करे आपको ऐसी लाइफलाइन मिले, भगवान करे ऐसी लाइफलाइन न मिले जो आपसे पूछे ही नहीं। जो नहीं पूछेगी वो फॉलोअर बनेगी, लीडर नहीं बन सकती, और जो पूछेंगे, जो पूछेंगे वो लीडर बनेंगे। और फॉलोअर और लीडर में अंतर होता है, फॉलोअर 5 साल ज्वाइन होने के बाद भी आपसे बिना पूछे एक कदम नहीं बढ़ाएगा, वो भक्त आएंगे, भक्त, प्रभु आदेश करिए तो मैं फील्ड में जाऊं। जी जी, 3 साल बाद भी पूछेगा, सर आदेश करिए तो मैं फील्ड में जाऊं, आप कहिए तो मैं रॉयल्टी ले लूं, आप कहिए तो मैं कार ले लूं, आप कहिए तो मैं सूट सिलवा लूं। तो कृपया भक्त ना पैदा करें, लीडर पैदा करें, लीडर पैदा करें। यस यस, बहुत शानदार टॉपिक सर। देखिए आपने हमें टॉपिक ही गलत दे दिया है आज। अरे बहुत शानदार दिया सर, हमने अपने लिए ही लिया है। क्योंकि देखिए यहाँ भक्त लोग ना, भक्त नहीं चाहिए हमें जी, हमें लीडर चाहिए। टीम माई पावर, मैं नेटवर्कर हूँ, आप मेरी सेना है, आप मेरी पावर है, मुझे भक्त नहीं चाहिए, मुझे अजय सर के पीछे घूमने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे अजय सर के आगे बढ़ के टारगेट ठोकने वाले लोग चाहिए। यह बात, टीम माई पावर,
मुझे खुशी उस दिन होगी जब हजारों की भीड़ में गोकुल जी दहाड़ेंगे, मुझे उस दिन खुशी होगी जब हजारों की भीड़ में हमारी श्रेया बहन दहाड़ेगी, मुझे खुशी उस दिन होगी जब हमारे बीच में आप जो भी नीतीश जी हैं, जितने भी साथी मुझे दिख, इतना नाम नहीं ले पा रहा हूं, ये सब साथी जब खड़ा होके हजारों की भीड़ में दहाड़ेंगे और इनकी मीटिंगों से एक डॉक्टर डिसीजन लेगा, इनकी मीटिंगों से इंजीनियर डिसीजन लेगा, इनकी मीटिंगों से बड़े बड़े तुर्रम खां जो अपने कहते हैं वारसम करने का डिसीजन लेंगे, ये मेरी पावर बनेंगे। तो मैं इसीलिए मैंने पहले ही शब्द बोला, बाबा नहीं बनना है, लीडर बनना है, लीडर बनाना है, टीम माय पावर। आज से दिमाग में सभी साथी मुझसे वादा करिए और इस बात को दिमाग में डाल दीजिए कि मुझे हर साथी को लीडर बनाने पे काम करना है, हर व्यक्ति को सिखाना है, और अगर वो सवाल नहीं करता है तो आपको सवाल करना है, आपको सवाल करना है, ताकि आप उससे सवाल करें, ताकि वो सीखे। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अब एक व्यक्ति के घर आप जाइए, वो सवाल नहीं पूछता है, तो आप उससे पूछिए कि क्या सर आप बताइए कि आपको लगता है कि आपकी 20,000 की नौकरी में ओडी आ जाएगी, क्या आपको लगता है कि 20,000 महीने की सैलरी से मर्सिडीज आएगी, सर क्या आपको लगता है कि 20,000 रुपए की नौकरी से आप 1 करोड़ का बंगला खरीद लेंगे, तो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कहाँ होगा। तब फिर पूछिए कि क्या सर आपने उसका उपाय कुछ नहीं करेंगे, बोलेगा नहीं करना तो चाहिए ही। फिर उसे सवाल करिए, सवाल पे सवाल, तो सर क्या आप बताइए क्या आप इसी तरह बस जीने खाने के लिए पैदा हुए हैं, अरे सर 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिला है और RCM एक रास्ता है सर, नौकरी के साथ शुरू करिए ना सर, मैं आपके साथ हूं। तो कुछ लोगों का दिमाग थोड़ा कम होता है, उनसे आप ही को सवाल करना पड़ता है जी, लेकिन उनको उन्हीं की हालत में छोड़ देंगे भाई साहब ना, तो आपका बच्चा मंद बुद्धि हो जाएगा। तो जब आपको मालूम है कि हमारे घर में 3 बच्चे हैं, एक अपने आप सवाल करता है, और दूसरा तो इतना सवाल करता है कि पका देता है, और तीसरा तो खाली सुनता रहता है सबकी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तीसरे वाले को भी ठीक करिए, क्योंकि बाद में तो उसे आप ही को झेलना पड़ेगा जी जी। तो आप ही सवाल करिए, वो नहीं करता है, थोड़ा संकोची माइंड का है, थोड़ा सबकी इज्जत ज्यादा करता है। जानते हैं गांव घर में सब बेवकूफ किसको बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा सबकी इज्जत करता है, बहुत शांत आदमी है, भोला भाला है, तो पहले तो उसको सीधा बोल, जवाब नहीं करता जी, पहले उसको सीधा बोलते हैं, सीधा साधा है, फिर बाद में बोलते हैं बेचारा है, फिर बाद में लोग बोलते हैं लल्लू है, फिर बाद में बोलते हैं अरे हाँ, फिर किसी में काम गौ बोलते हैं, बाद में बैल बोलते हैं सर, हाँ किसी काम का नहीं है, बोलता ही नहीं है, कुछ बोल दीजिए कुछ नहीं बोलता है, अब बाद में तो ये बोलते हैं उसमें करंट नहीं है। तो भैया आप भी ऐसा ना बने और आपकी डाउनलाइन भी ऐसा ना बने, और ऐसा है, ऐसा है तो उसमें करंट डेवलप करिए, लगा दीजिए 440 वोल्ट का करंट उसके अंदर। यस यस, क्योंकि हमें लीडर चाहिए, हमें फॉलोअर नहीं चाहिए, बाबा लोगों को फॉलोअर चाहिए, बाबा जो कहे वो ठीक, बाबा बोले कि सूरज जो है कि क्या है कि जमीन से 1,000 फीट ऊपर है तो मान लेते हैं, हाँ बाबा बस बस ताली बजता रहता है हमेशा, बाबा जो कह दे वो सही है, तो भैया बाबा बाबा वाला यहाँ नहीं चलेगा। तो आपसे मैं चौथी जो लाइन बताने जा रहा हूँ, पहला मैंने बोला फील्ड माई मदर, दूसरा मैंने बोला स्पीच माई लाइफ, तीसरा मैंने बोला टीम माई पावर, और चौथा है ड्रीम माई वर्क। ड्रीम माई वर्क, ड्रीम माई वर्क का मतलब जानते हैं क्या है, सपना देखें और सपना दिखाएं, सपना देखें और सपना दिखाएं। इस बिजनेस को ज्वाइन करके साबुन तेल के बारे में बता बता के अजय दुबे जैसा लीडर नहीं पा सकते आप, साबुन सस्ता है बता के अजय दुबे को नहीं ला सकते आप, अजय दुबे को साबुन सस्ता समझ में नहीं आया था, अजय दुबे को एक बात समझ में आई थी कि पूरे हिंदुस्तान में चमकने का मौका मिलेगा इससे, ये समझ में आया था, मुझे नमक तेल धनिया समझ में नहीं आया था। अच्छा एक बात मुझे बताइए, चौथी जो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में, ड्रीम माई वर्क, आपका काम क्या है गोकुल जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, गोकुल जी बताइए आपका काम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग,
काम क्या है सर? सर नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा सपना ही हमसे काम करवाता है। सपना बेचना काम है, सपना काम नहीं करवाता, आप सपनों के सौदागर हैं। यस सर, यस सर। अच्छा एक बात बताइए गोकुल जी, आप आरसीएम कर क्यों रहे हैं? बचत के लिए, सेहत के लिए, किसके लिए? सर मेरा मतलब मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं इसको जो है देश सेवा के भाव से मैं करता हूं सर। मेरा उद्देश्य सर मैं कहीं ना कहीं पैसे से ऊपर का मामला है। यस सर, यस सर। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं, चौथा जो लाइन है ना, ड्रीम माई वर्क, सपना देखना सपना बेचना, सपना देखना सपना बेचना, सपना देखना सपना बेचना। अगर आप सपने नहीं देखते तो आप सपने बेच नहीं सकते, क्योंकि सब्जी का ठेला लेके चलने वाला व्यक्ति यदि वो चिल्ला रहा है गोभी ले लो गोभी ले लो गोभी ले लो, और उसके पास गोभी नहीं है, कैसे बेचेगा वो? नहीं सर। अरे हम लोग इतना झुक के बात करते हैं, इतना गिरे शब्दों को यूज करते हैं, इतना कमजोर शब्दों को यूज करते हैं ना भाई साहब, इसलिए लीडर नहीं आते हमारे पास। अरे ताल ठोक के बोलना पड़ेगा आपको। अजय दुबे की पॉकेट में 100 रुपए हुआ करते थे जिस जमाने में ना, उस समय अजय दुबे कार की बात करता था। अजय दुबे की जब 1000 रुपए इनकम होती थी ना, तब मैं हवाई जहाज हेलीकॉप्टर की बात किया करता था। कई लोग तो वहां से उठ के निकल लेते थे कि फेंक रहा है, निकल लो यार, तुझे पसंद नहीं, मुझे तो पसंद है, मैं तो बोलूंगा। सपना देखना और सपना बेचना, लेकिन हम में से कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन सपना खुद नहीं बनाते, और जो खुद सपना नहीं बनाता वो दूसरे का सपना क्या सपने की बात करेगा, वो जिसने अपना खुद सपना नहीं लिखा हुआ है। अरे 1000 2000 3000 की चेक के लिए आरसीएम ज्वाइन करते हैं लोग, 3000 आया तो मजा आ जाए। तो जिस लीडर का खुद 3000 रुपए आने का सपना है, वो क्या 3 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को लाएगा? मेरी इनकम 70-80 हजार आती है भाई साहब, 90 हजार आती है, 1-1 लाख भी आई, लेकिन मैं 3-3 लाख वाले को ठोक के प्लान दिखाता हूं कि आपकी 3 लाख आज हो सकती है लेकिन मेरी 30 करोड़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप अकेले सिंगल हैंड काम करते हैं और मैं मल्टी हैंड काम करता हूं, हैंड मल्टीपल हैंड काम करता हूं। आज आपकी ताकत मुझसे बड़ी हो सकती है लेकिन अगले 3 साल के बाद मेरी ताकत 3 गुना बढ़ेगी, आप मेरे कहीं इर्द गिर्द खड़ा नहीं हो सकते। तो आपको सपना सपना बड़ा देखना पड़ेगा और सपना बड़ा बेचना पड़ेगा। तो आज आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये साबुन तेल सस्ता फस्ता वाला मामला खत्म कर दीजिए, सपना बेचो सपना, आप सपनों के सौदागर हैं। क्या है? सपनों के सौदागर। यहां जितने भी चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, कितने चेहरे हैं जो साबुन में दूर का बचाने के लिए आरसीएम कर रहे हैं, बता दीजिए मुझे आप। अरे उतना तो बाइक का तेल जल जाता है आपका। तो जब आपको साबुन प्रभावित नहीं करता, आपको जब रॉयल्टी प्रभावित करती है तो रॉयल्टी की बात क्यों नहीं करते? जब आपको कार ओडी प्रभावित करती है तो आप क्यों साबुन तेल में उलझा रखे हैं लोगों को, बताइए आप। हम लोग यही गलती कर गए। आज दूसरी कंपनी वाले महंगे सामान ला के, विदाउट क्वालिटी का सामान ला के, और लोगों को खाली सपना दिखा के उतने महंगे सामान बेच दे रहे हैं, और हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, सस्ता भी है, मार्केट की वैल्यू में भी आता है, उसके बाद भी हम लोग नहीं कर पा रहे। इसका एक बड़ा कारण है कि हम सपने नहीं दिखाते, हम 2 रुपए की बचत दिखाते हैं, 2 रुपया बचा लीजिए। अब उसके दिमाग में जाता है कि भाई साहब 20 किलोमीटर पिकअप सेंटर है, 2 रुपया साबुन में बचेगा, महीने का 3000 का सामान खरीदूंगा, 3000 के सामान में 100 रुपया बचेगा। अरे यार एक तो पूरा दिन जाएगा सामान लाने में, कहां दिमाग चलेगा उसका। हमारे बीच में एक और साथी है, मैं उनको मौका दूंगा क्योंकि 30 किलोमीटर दूर से ये भी माल लाते हैं, सेल्फ गुरु जी।
पारस जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। सामान कितनी दूर से लाते हैं आप? लगभग 30 किलोमीटर होगा सर। कितना बचा लेते हैं? बचता नहीं है, उल्टा लग जाता है सर। तब तो छोड़ देना चाहिए आपको आरसीएम। नहीं सर, जैसे आप बताए ना, सपनों के लिए किया जा रहा है, 1-2 रुपए बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है। क्या बात है। अभी मैं आपके यहाँ आया था, बड़ा अच्छा लगा आपकी स्कूल, आपका व्यवस्था देख के। आपके यहाँ मैं रुका 2 दिन, तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत शानदार है, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका स्कूल भी ड्राइव होता है, तो कहीं ना कहीं सपने के लिए आप काम कर रहे हैं। नहीं तो बचत माइंड में आए तो आदमी जाए नहीं 30 किलोमीटर दूर। उसी तरह अजय कुमार दुबे को सपना समझ में आया था, 70 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर था, लगता था मेरे गांव के पास में है, 399 किलोमीटर कानपुर, बाइक चला के मैं जाता था 399 किलोमीटर कानपुर, अपने गांव से बाइक चला के ठंडी के टाइम में मैं गया और जाके मैंने बिजनेस को खड़ा किया। और कानपुर से भी महोबा, उससे भी ज्यादा दूर है, और रही उससे भी ज्यादा दूर है, मैं बाइक चला चला के मैंने काम किया है, क्योंकि सपना मेरा बड़ा था। मुझे साबुन तेल नहीं दिखता था, मैं सपना देखता था और सपना बेचता था। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बड़ी बड़ी बातों को बोलिए, दुनिया पागल बोलती है उन्हें, लेकिन यही पागल लोग अजय कुमार दुबे बनते हैं एक दिन। जितना बड़ा बोलना है बोलिए, कोई चार्ज नहीं लगता, कोई FIR नहीं होगा, बोलिए। लेकिन बोलेंगे तब ना जब आरसीएम में विश्वास होगा। अजय कुमार दुबे इसलिए बोलता था कि मुझे अपने आरसीएम में विश्वास था और अपने आप पे विश्वास था। हम तो डरे डरे पता नहीं स्कूटर खरीद पाएंगे, वो स्कूटर सॉरी अब तो स्कूटर नहीं बाइक, बाइक भी खरीद पाएंगे कि नहीं आरसीएम से, इसीलिए हम डर डर के बोलते हैं। भरोसा बड़ा करिए सर, सब कुछ होगा। लास्ट में अपनी बात को विराम करने से पहले एक सब्जेक्ट पे मैं बात करूंगा आपसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या मिलता है वो देख लीजिए आप। खुशियां मिलती हैं आपको, हर तरह की खुशियां, हजारों लोगों का प्यार मिलता है, दुआएं मिलती हैं, रिलेशन मिलता है पूरे हिंदुस्तान में, ये सारा कुछ मिलता है। दूसरे का सहयोग करने का भी मौका मिलता है, मैंने कुछ टॉपिक नोट किया है। दुआएं फ्री में मिलती हैं इसलिए कि आप लोगों का सहयोग करते हैं, समय आपकी मर्जी का होता है, अनलिमिटेड पैसा आपके पास आता है, और लास्ट मिलती है सिक्योरिटी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको देख के मैं आया था। लेकिन मामला क्या है, इसे हम कर क्यों नहीं पाते। 2 से 5 साल आरसीएम को यदि आदमी अपने पहले नंबर पे रखे तो क्या हो सकता है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, आरसीएम से ओडी चाहते हैं, आरसीएम से मर्सिडीज चाहते हैं, आरसीएम से 7 करोड़ का बंगला चाहते हैं, लेकिन आरसीएम को किस नंबर पे रखते हैं मालूम है आपको? मैं बता रहा हूं क्यों लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं। अपनी नौकरी को सबसे पहले नंबर पे रखते हैं, सब्जी लाना पहले नंबर पे रखते हैं, दूध लाना पहले नंबर पे रखते हैं, प्रेस तक घर में कपड़े को इस्त्री करना भी पहले, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे रखते हैं। मैं क्या बताऊं आपसे, रिश्तेदार मामा आ गए ना, उनको पहले नंबर पे रखते हैं, मामा नाराज हो जाएंगे। हम अपने मित्रों को दूसरे तीसरे नंबर पे रखते हैं, लेकिन आरसीएम को सबसे लास्ट वाले नंबर पे रखते हैं। कहा टाइम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं कि आज मामा आ गए, छोड़िए ना, पहले मामा को ध्यान देना जरूरी है, मामा नाराज हो जाएंगे, पहले इनको ध्यान दे देते हैं। कोई मित्र बुला दिया उसको ध्यान देते हैं, किसी मित्र की शादी पड़ गई तो पहले उसको ध्यान देना जरूरी है, भाई मित्र है, हैं? किसी के जन्मदिन आ गया तो पहले उसका ध्यान देना जरूरी है। सब्जी नहीं लाएंगे तो ये हो जाएगी, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगी, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगी, तो इसको प्राथमिकता में वो रखते ही नहीं। और मैं तो कुछ लोगों को ऐसा भी जानता हूं जो पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि सर आरसीएम में बहुत बड़ा करके दिखाऊं, लेकिन उनका किसी दिन का रिपोर्ट मेरे पास आता ही नहीं, क्योंकि वो प्रायोरिटी में नहीं है। दुनिया में आप उसी क्षेत्र में कामयाब होते हैं जिस क्षेत्र में आपकी प्रायोरिटी तय होती है, प्राथमिकता तय होती है। जब तक आपकी प्राथमिकता में वो काम नहीं आएगा तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते।
आपको दो ही घंटा आरसीएम करना है, लेकिन किस टाइम में करना है नोट करो, आप लॉक कर दो उसको। पिता या माँ या पत्नी या कोई व्यक्ति आपको उस टाइम में काम न दे सके, इसको प्राथमिकता बोलते हैं। हमारे को तो काम कोई भी कभी भी दे देता है, पड़ोसी दे देता है, रिश्तेदार दे देता है, अटेंडम काम दे देता है, और हम तुरंत सारे काम को महत्व देते हैं और आरसीएम में काम को नहीं देते। लेकिन चाहिए कार किससे? आरसीएम से। बंगला किससे चाहिए? आरसीएम से। और टाइम किसको देंगे? रिश्तेदार को। तो भैया उसी से मांगिए ना। और रिश्तेदारी जानते हैं कब तक रहती है? जब तक आपके गागर में पानी रहता है। चेक कर लीजिए कभी आप, और आप लोगों ने कभी कभी चेक भी किया होगा। मैंने चेक कर लिया अपने जीवन में, मैंने खूब चेक किया है, मैंने गरीबी देखा है, निमंत्रण नहीं आते थे हमारे यहां। फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा आपको। यदि आपने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख दिया तो ये अगले 5 साल के बाद आपको अपने इलाके में पहली प्रायोरिटी पे रख देगा, आपके पूरे रिलेशन में पहला कार्ड आपको आएगा। आज आता है मेरे साथ, क्योंकि दुनिया कामयाबी को सलाम करती है, दुनिया सफलता को सलाम करती है। हम अपनी प्रायोरिटी में सफलता रखे ही नहीं है। हम सब कुछ रखते हैं प्रायोरिटी में, लेकिन आरसीएम को लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। और कभी कभी तो क्या है ना कि एक एक हफ्ता नहीं करते आरसीएम। मैं कई लोग जानते हैं एक एक महीना आरसीएम नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं? समय नहीं मिल पा रहा है सर, थोड़ा सा क्या है रिश्तेदारी में ना बीमार पड़ गए हैं एक। अच्छा, मजे की बात मैं देखता हूं कि जिसकी माँ बीमार है उसका बेटा नौकरी कर रहा है, और ये बेचारे 7 दिन से जाके ना दवा करवा रहे हैं। किसकी? इसका मतलब जिसकी माँ बीमार है वो नौकरी कर रहा है और ये उसकी माँ का दवा करवा रहे हैं, तो फालतू आदमी कौन हुआ? राम प्रकाश जी, फालतू आदमी कौन हुआ? वही जो दवा करा रहे हैं जाके। इसी को ओडी चाहिए जी। और जिसकी 12,000 सैलरी है ना, वो अपनी माँ को छोड़ के नौकरी कर रहा है और बोलता है जीजा या साला या मामा जो आप लगते हो किसी के, वो बोलता है थोड़ा आ जाइए ना, आपका तो आरसीएम ऐसे भी चल देता है, जब तबे कर लेते हैं, आप तो मीटिंग कैंसिल भी कर सकते हैं, आ जाइए ना, हमारी तो नौकरी आप जानते ही है ना। हम बड़े महापुरुष व्यक्ति 7 दिन जाके सेवा करते हैं कहीं। अरे अपने सपनों के लिए काम करिए, बहुत ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे ना तो एक दिन ऐसी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। पहले अपने को ठीक करिए, दुनिया को ठीक मत करिए, ठीक है? तो ऑडियो ऑडियो के चक्कर में तो बढ़ेंगे नहीं जब तक आप प्राथमिकता तय नहीं करेंगे। मैं थोड़ा लास्ट आपसे बात कर रहा हूं जो इसी मैटर पे, कि यदि आपने 5 साल टाइम लगा के एक बोरिंग कर दिया। बोरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे घर में आपके एक बोरिंग करवा देते हैं तो बोरिंग करवाने के टाइम थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन यदि बोरिंग जब हो जाती है तो उस बोरिंग में यदि आप पंपिंग सेट लगा देते हैं ना, तो ये पानी क्या है 5वें माले 6वें माले 7वें माले 8वें माले तक पहुंचा सकता है। लेकिन बोरिंग करते समय जो पाइप पड़ती है ना, वो पहले बेनिफिट नहीं देती, पहले वो पाइप अंदर जाती है। तो आपको 5 साल इसमें बोरिंग करना पड़ता है। कहाँ? फील्ड में जाके। कभी दूसरे शहर में जाके बोरिंग करेंगे तो वहां से पानी, मतलब जगह जगह जाके आपको बोर करना पड़ेगा। मैंने किया है, मैंने हिंदुस्तान के 110 शहरों में जाके पानी बोर किया है, आज भी जाता हूं मैं जाके वहां के लोगों को ठीक करता हूं, समझाता हूं। लेकिन आज वही लोगों का किया हुआ काम, आज मैं घर बैठ के भी बैठा हूं तो बोरिंग का पानी आ रहा है, मोटा पाइप लग गया है, बस बटन दबाता हूं तो फरीदाबाद के लोग हाजिर हो जाते हैं, बटन दबाता हूं तो लुधियाना के लोग हाजिर हो जाते हैं, आज भी बटन दबाया हूं तो 40-45 लोग हाजिर हो गए। एक बार बोरिंग किया मैंने तो। यदि 5 साल प्राथमिकता के साथ यदि आपने इस काम को कर दिया तो ये आपके जीवन को पहले नंबर पे लाके खड़ा कर देगा। अब प्राथमिकता के ऊपर एक मैं स्टोरी बताऊंगा क्यों लोग कामयाब नहीं होते। एक कुत्ते और एक खरगोश की कहानी है। एक कुत्ता था और एक खरगोश था, दोनों आपस में एक दूसरे में देखा देखी हुई। सुबह का टाइम था, बिल्कुल सुबह 6 बजे की घटना थी।
एक कुत्ता ने खरगोश तो एक खरगोश को देखा और खरगोश ने कुत्ते को देखा और दोनों भागना शुरू कर दिए। आगे आगे खरगोश भाग रहा था, पीछे पीछे कुत्ता भाग रहा था। कुत्ता बहुत ही स्पीड में भाग रहा था, खरगोश उससे भी तेज स्पीड में भाग रहा था, लेकिन खरगोश की जो साइज थी वो छोटी थी और कुत्ते की बड़ी थी। फिर भी खरगोश पूरी जान से भाग रहा था। भागते 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 दोपहर हो गई, फिर इसके बाद दोपहर के बाद फिर शाम हो गई, शाम के बाद फिर रात हो गई। अचानक फिर रात को भागते भागते जब एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अचानक खरगोश घुस गया। और जब घुसा उस पेड़ के नीचे जो होल था वहां पे, जब वो पेड़ के नीचे घुसा खरगोश, तो कुत्ता हाँफते हुए आया और लाचार होके जीभ निकाल के हाँफते हुए बोला कि भाई तू तो छोटा था, तू मेरी साइज से सीधे चार गुना, मैं तेरे से बड़ा हूं, तू मेरे से चार गुना छोटा था, तेरे पांव मुझसे छोटे थे, तेरी ताकत मुझसे छोटी थी, फिर भी तू मुझसे कैसे बच गया। तो उस खरगोश ने भी हाँफते हुए बोला कि पहले कुत्ता भाई ये बताओ कि तुम मुझे पकड़ना क्यों चाहते थे। तो उसने बोला कि मैं सुबह, तो मेरा मूड था यदि सुबह ये मिल जाएगा तो क्या करेंगे, सुबह में क्या करते हैं हम लोग, नमस्कार जी, ब्रेकफास्ट, ब्रेक। तो कुत्ते ने बताया कि सुबह तो अगर मैं पकड़ लेता तो मेरे मन में चाहता कि एक ब्रेकफास्ट कर लूंगा, अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब तू नहीं मिला, जब धीरे धीरे दोपहर होने लगी तो मेरे दिमाग में चलने लगा कि अर्थ कोई बात नहीं, 12 बजने वाले हैं तो मैं जो है कि इसको लंच कर लूंगा, अगर दोपहर में पकड़ा गया तो क्या कर लेंगे, लंच। लेकिन फिर देखा कि तुम्हारी स्पीड बढ़ती गई और धीरे धीरे शाम हो गई, तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, दिन तो चला गया लेकिन यदि रात को भी पकड़ा गया तो मेरा डिनर तो लाजवाब हो जाएगा। तो उस खरगोश ने बड़े मुस्कुराते हुए बोला, बस यही फर्क है तुम्हारी प्राथमिकता में और मेरी प्राथमिकता में, कि तुम मुझे इसलिए पकड़ना चाहते थे कि तुम ब्रेकफास्ट करना चाहते थे, तुम लंच करना चाहते, तुम डिनर करना चाहते थे, और मैं इसलिए तेज भागा क्योंकि मुझे मेरी प्राथमिकता जीवन बचाने की थी। कहीं ना कहीं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर से प्राथमिकता, जान बचाने की प्राथमिकता बड़ी होती है, क्योंकि जब हमारी जान पे पड़ती है ना तो हम लंच डिनर के लिए नहीं भागते हैं। आज हमारे कई साथी कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके छोटे सपने हैं, छोटे सपनों के लिए भाग रहे हैं। 2000 आया तो मजा आ जाए, बिगनर बन जाऊं तो मजा आ जाए, बिगनर बन जाऊं तो मजा आ जाए, खाक मजा आएगा, सपनों के लिए भागो, सपनों के लिए भागो। ये लंच डिनर के लिए भागने का बिजनेस नहीं है भाई, ये हाइक बाइक कार के लिए भागने की जरूरत नहीं है। अजय दुबे स्विफ्ट के लिए नहीं भागा है, अजय दुबे अपनी टीम के लाखों लोगों की स्विफ्ट लाने की तैयारी में है। तो लंच डिनर के लिए भागेंगे भाई साहब तो यही होगा। तो पहली तो प्राथमिकता आपको बड़ा करना पड़ेगा, तब आप छोटी छोटी चीजों को महत्व कम देंगे, इसको महत्व तब बढ़ा देंगे आप। तो खरगोश क्यों बच गया, क्योंकि वो जीवन के लिए भाग रहा था। सही गलत, मेरी बात सहमत है एकदम, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पहली चीज तो यह है कि प्राथमिकता बनाइए, आप लोग आरसीएम को प्राथमिकता बना के करिए तो आप बहुत बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं कम समय में। दूसरी एक चीज है, ठानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, जिद करना पड़ेगा। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, एक इंसान जब संकल्प लेके उतरता है कि अब मेरा सौगंध है, शपथ लीजिए आप, हम शपथ नहीं लेते, हम नॉर्मल तरीके से आरसीएम करते हैं, हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। इश्क दो तरह के लोग लड़ाते हैं, एक ट्राई करते हैं, हेलो, यस, इश्क दो तरह के लोग लड़ाते हैं, एक ट्राई करते हैं कि बात बन गई तो ठीक, नहीं तो गली छोड़ दूंगा, करना क्या है, और एक वो करते हैं ना कि घर बार भी छोड़ना पड़ जाए, परिवार भी छोड़ना पड़ जाए, अरे गांव भी छोड़ना पड़ जाए, अगर जान भी छोड़ना पड़ जाए तो बिना इसके पाए में रह नहीं सकता। ये रियल इश्क है। देखिए मैसेज तो निगेटिव है, मैं आपको इश्क उश्क करना सिखाना नहीं चाहता, मैंने भी नहीं किया है कभी जीवन में,
लेकिन मैंने शेष करना है, आरसीएम शेष किया है, तो मैंने अपने सपनों से प्यार किया, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ने को मैं तैयार हो गया। आज मैं बनारस में बैठा हूं घर परिवार छोड़ के। देखिए सपनों से प्यार करना पड़ेगा, आपको ठानना पड़ेगा। ठानने के ऊपर एक स्टोरी में बताना चाहूंगा आपको। एक बार एक किसान था ना, वो सुबह के सुबह तड़के, बड़ा बहुत बड़ा भक्त था वो शंकर जी का, और शंकर जी को आप लोग जानते ही अड़भंगी होते हैं महाराज। शंकर भगवान एक अड़भंगी देवता माने जाते हैं, जो किसी भी चीज पे खुश हो जाते हैं। जैसे आप बैजनाथ जी देखेंगे, बाबा बैजनाथ तो क्या है, वो बैजू क्या किया था, लाठी मारा, और लाठी 10-20 मारा तो प्रकट हो गए, बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। अब बताइए लाठी मारने में भी वो खुश हो जाते हैं। तो एक किसान था, वो बहुत बड़ा भक्त था शंकर जी का। तो एक दिन की सुबह की बात थी, वो अपना गाय को दुहने गया, तो गाय थोड़ी खटपट कर दी, गाय ने डिस्टर्ब कर दिया, गाय मानने को तैयार नहीं थी, दूध देने को तैयार नहीं थी। और वो क्या किया कि ठान बैठा था कि मैं तो लगा के ही छोड़ूंगा इसको, और उसने दोनों पांव बांध दिया गाय को, और जैसी बाल्टी रखे तब तक क्या है ना, गाय दोनों पांव उठा के मार दे, जैसी बाल्टी रखे दोनों पांव उठा के मार दे। ये कार्यक्रम सुबह शुरू हुआ 6 बजे से, बज गया 12। अब शंकर भगवान उसके परम भक्त, शंकर भगवान का वो परम भक्त था, सॉरी, तो शंकर भगवान देख रहे थे कि अरे यार गजब मेरा भक्त है, ये तो ठान लेने के बाद रुकता ही नहीं, बड़ा खुश हुए हो। दोपहर हो गई, दोपहर के बाद धीरे 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 2 बजे, तो शंकर भगवान को लगा कि ये मानेगा नहीं, मुझे मिलना चाहिए। शंकर भगवान आए, बोले मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जिद से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारी कार्य शैली से बड़ा प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। तो उसने कहा महाराज वर नहीं दीजिए, ये गैया का दोनों टंगिया पकड़ लीजिए ताकि मैं दुधवा लगा लूं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे कि ठानना इसे बोलते हैं कि उसने ठान लिया था दूध निकालने का। तो शंकर भगवान जब आके सामने खड़े हो गए, बोलो वर चाहिए, क्या चाहिए वो बोलो, तो बोल रहा है कि वो सब छोड़िए, पहले गैया के टंगिया पकड़ लीजिए कि मैं दुधवा निकाल लूं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ठानने का मतलब क्या होता है, कि साक्षात भगवान शंकर आके बोले कि बेटा कुछ वर मांगो आरसीएम के अलावा। तो लीडर कैसा होना चाहिए कि रूबी की स्टार रूबी के पहले तो सुनने वाला नहीं हूं आपका, यही काम करिए कि 2-4-10 अच्छी डाउनलाइन ला दीजिए, हमको हीरा मोती नहीं चाहिए। तो देखिए ठानना पड़ेगा आपको, यदि ठान लिया आपने तो आप इतिहास रच सकते हैं। आज इतिहास भरा पड़ा है, चाहे महात्मा गांधी हुए, चाहे जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, इन लोगों ने ठाना था। तो आप भी ठाने तो आप भी कामयाब बन सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं एक दिन में नहीं हो सकती। ओके थैंक यू जे आर सिंह, मिलते रहेंगे हम लोग। ठान लीजिए, बस एक ही चीज कहेंगे, और दिल से ठानिए, हम हमेशा मिलते रहेंगे। ओके थैंक यू, थैंक यू जे आर सिंह। राम प्रकाश जी मैंने आपको मौका दिया जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आज आपने बहुत ही शानदार टॉपिक हम लोग को दी है कि प्राथमिकता जब तक आपके जीवन में तय नहीं है आप भटकते रहेंगे, कोई लक्ष्य नहीं है तो भटकते रहेंगे, और प्राथमिकता तय करने के बाद ठानना पड़ेगा, और ये ठानना जब तक नहीं होगा तब तक आरसीएम में बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा बोलने से नहीं होता, बड़ा करने से होता है। और ये जो आपने शानदार ये 4 टॉपिक दिए हैं सर ने, पूरे आरसीएम का सार आपने दिया है कि फील्ड इज माई मदर, कि जब तक आप माँ के गोद में हैं, माँ यानी फील्ड की गोद में है, तो सारे अनुभव आपके पास आएंगे। किस बात का कौन सा सवाल है, कौन सा जवाब है, वो सारे आएंगे। बहुत ही शानदार ये टॉपिक रहा सर, स्पीच माई लाइफ
और ये स्पीच भी आपको माही सिखाएगी जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे, किस बात का कौन सा सवाल जवाब होगा। ये बहुत ही शानदार टॉपिक रहा, ये लाइव बनाना होगा अपने स्पीच को, अपने स्पीच में जोश और उत्साह लाना होगा आपके। बहुत ही शानदार रहे सर ये, और टीम माई पावर, पूरी टीम को एक जो बहुत शानदार मैसेज दिया कि अकेले विजेता विजेता नहीं होता, वो पूरी टीम को जिता कर विजेता होता है। बहुत ही शानदार आपके रहे। और लास्ट में ड्रीम माई वर्क, जब तक सपने नहीं है वो वर्क आपके हो ही नहीं सकते। आपका ये वर्क भी क्या है कि बड़ा सपना देखना और बेचना। हम लोग साबुन तेल धनिया समझा रहे हैं लोगों को, एक दो रुपया बचाने में लगाए हैं, लेकिन आज के बाद से हम लोग सपना बेचेंगे। बहुत ही शानदार गुरुदेव, आपने बहुत जबरदस्त, हमेशा आपकी मीटिंग शानदार रहती है, आज बहुत विशेष टॉपिक दिया है आपने, और इसको पूरी तरह से प्रूव करूंगा सर, हम पूरे तरह से, मेरी पूरी टीम प्रूव करेगी, हम भी अपने टीम को आप जैसा अपने जैसा एकदम बना के ही रहेंगे। और पूरा विश्वास है गुरुदेव, इसी तरह आशीर्वाद भरे शब्द आपके मिलने चाहिए रहेंगे सर हम। लास्ट में मेरा भी आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ है, कुछ देर के लिए बाबा बन जाते हैं सर, कुछ देर के लिए बाबा बन जाते हैं, क्योंकि आज जरूर सर है। और आप लोगों से एक ही गुरुदक्षिणा मुझे चाहिए कि आप सभी लोग अपने सीने में बड़ी बड़ी पिन लाएं, मुझे यही गुरुदक्षिणा चाहिए आपसे। और इन्हीं आशा के साथ, इन्हीं विश्वास के साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू जयर सिंह। जय हरसिम सर, जय हरसिम, जय सिंह।